मगर विपसना जो कर रहे हैं लोग, वो ये भूल जाते हैं कि वो विपसना कर क्यों रहे हैं। अब बिना कारण के तो कोई विपसना करेगा नहीं। और पिछले दो बार से हम 9 बजे का कंसेप्ट भी भूल रहे हैं, जो कंसेप्ट वी द पीपल की जान है, क्योंकि बहुत सारे लोग 9 बजे जुड़ते हैं ताकि उनको कंसेप्ट मिले। तो ये जो हम टाइम लैप्स करते हैं, या जो चीजें हमारी खराब होती हैं, या जिससे हम बीमार पड़ते हैं, उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम विपसना करने जाते हैं। बुद्ध ने विपसना की तो दुखों का कारण जानने के लिए और दुखों को दूर करने के लिए की। इसका मतलब दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख का मार्ग उन्होंने खोजा और उसको विपसना कहा। तो वो विपसना एक दवाई है, तो बीमारी में काम आ रही है। और अगर बीमारी ही ना हो तो उसका भी बुद्ध ने एक रास्ता बताया है। यहां जो लोग बैठे हुए हैं 109 लोग, वो ये ना समझे कि बुद्ध विपसना के अलावा कुछ नहीं करते, या बुद्ध ने विपसना के अलावा कुछ नहीं बताया, या अगर विपसना निकाल दी जाए तो बुद्ध के पास कुछ नहीं है। क्योंकि विपसना के बाद भी और विपसना से पहले भी बहुत सारी चीजें हैं जो बुद्ध ने बताई हैं और बुद्ध ने की है। और ऐसा भी एक कारण बताया है कि आपको विपसना जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप समझ कर लेंगे, या समैया कर लेंगे, या समझ ही कर लेंगे। दरअसल पाली के अंदर जो समझ है या समैया है या समझा है, इसका मतलब होता है समाज। समझ का मतलब होता है निज को इकट्ठा करना, अपने लोगों को इकट्ठा करना। अगर आप इकट्ठा कर लेते हैं और समाज बना लेते हैं तो आपको विपसना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि जिसका समाज हो जाता है, जो समाज में इकट्ठा हो जाता है और समाज के नियम के अनुसार चलता है और सामाजिक बंधनों में रहता है, उसको बुराई नहीं आती। और जिसको बुराई नहीं आती उसको विपसना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पुराने समय में भी सभी लोग विपसना नहीं करते थे और आगे भी सारे लोग विपसना नहीं करेंगे, मगर व्यक्ति को समाज में रहना पड़ेगा। व्यक्ति चाहे तो एकल रह सकता है, मगर उसको जंगल में जाना पड़ेगा, उसको लोगों से दूर जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो लोगों में रहेगा तो फिर वो समाज में रहता है, तो उसको सामाजिक नियम, सामाजिक बंधन मानने पड़ेंगे। और सामाजिक नियम और सामाजिक बंधन कहते हैं कि आपको जो नियम बताए हैं उसके अनुसार चलना पड़ेगा, तब आप सुखी रहेंगे और तभी आप समाज में रहेंगे और तभी समाज सुखी रहेगा। अगर सामाजिक नियमों को आप तोड़ देंगे और सामाजिक नियम के अनुसार नहीं करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, फिर आपको विपसना की जरूरत पड़ेगी जो आपको ठीक करेगी। मगर विपसना भी आपको हमेशा के लिए ठीक नहीं करेगी। अगर आप फिर बुराई में पड़ गए, फिर आपने असामाजिक काम किया, फिर आप बीमार पड़ जाएंगे, फिर आपको विपसना चाहिए, फिर लगातार विपसना चाहिए। इसलिए विपसना लगातार या कंटिन्यूअस या परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज है कि आपको असामाजिक काम नहीं करने, अप्राकृतिक काम नहीं करने हैं, ये इलाज है। जो व्यक्ति सामाजिक काम नहीं करते, अप्राकृतिक काम नहीं करते, उनको विपसना की करें तो बेहतर, ना करें तो बेहतर। करें तो इसलिए कि वो शायद अपने पुराने जो उनके दुख दर्द हैं उनसे मुक्त पा लेंगे, अगर उन्हें मुक्त होना है तो, और अगर नहीं मुक्त होना है तो वो सुखी रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो विपसना नहीं करता मगर वो खुश रहता है। इसका मतलब बिना विपसना के जो छोटा बच्चा है वो खुश रहता है, क्योंकि वो प्राकृतिक नियमों के हिसाब से हंसता है, बोलता है, चलता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे वो असामाजिक होता है, अप्राकृतिक होता है, और वो दुखों में जाता है, और दुखों का इलाज बुद्ध ने विपसना बताया है। ये बात तो आज विपसना डे की होगी। तो वो लोग जो विपसना नहीं करना चाहते, या जिनको लगता है कि विपसना हम क्यों करें, ये क्या बवाल आ गया, ये क्या चीज आ गई, उन लोगों को इकट्ठे हो जाना चाहिए। और वी द पीपल का पहला और आखिर काम है जुड़ना है और जोड़ना है, यही हमारी लाइफ लाइन है। इसलिए है क्योंकि लाइफ लाइन में बहुत सारे हर्डल और परेशानी आती है। अब हमारी जो लाइफ लाइन है वो बीच बीच में से टूट रही है। बहुत पहले भी हमारी जो लाइफ लाइन थी वो बहुत स्मूथ चलती थी,
बुद्ध से पहले, बुद्ध के समय और बुद्ध के बाद भी लगभग 1700-1800-2000 साल तक स्मूथ चलती थी, बहुत बढ़िया चलती थी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत हमें तब आने लगी जब हमने बुराइयां ले ली और हम अपने इतिहास को भूल गए और अपनी सारी चीजें भूल के हम अपने संग को भूलकर अलग अलग हो गए और हम असंगी हो गए। असंगी का मतलब है असामाजिक हो गए, असमिया हो गए। तो असमज होने से, असामाजिक होने से हमारी एजुकेशन चली गई। हम जो पढ़े हुए लोग थे, अब कहते हैं जी हम कहां पढ़े हुए थे भाई। जो अशोक ने पत्थर की किताबें लिखी हैं, जिनको शिलालेख बोलते हैं, वो शिलालेख सारी सारी पत्थर की किताबें लिखी किसने? उनको लिखने के लिए अमेरिका से तो कोई आया नहीं। और वमण हमारी भाषा या जो लिपि है उसके बारे में इतने अनभिज्ञ थे, वो क्यों लिखेंगे हमारी बातें? तो हमने लिखी। और पढ़ने वाले कौन लोग थे? हम ही पढ़ने वाले थे। तो यानी हम ही लिखने वाले थे, हम ही पढ़ने वाले थे, मगर जब हम असंग में हो गए, टूट गए, अलग अलग हो गए, तो पढ़ाई भूल गए। हम ही डॉक्टर थे, हम ही जीवक थे, तो हम अपनी डॉक्टरी भूल गए। दरअसल हम ही थे जो सारा काम भारत में करते थे, राजा से लेके किसान से लेके शिकार से लेके सेना से लेके राजतंत्र से लेके सैन्य तंत्र से लेके और व्यापार तंत्र से लेके और वैज्ञानिक तंत्र से लेके सारे तंत्र जितने भी थे वो हमारे पास थे, हमारे अधीन थे, हम ही उनके मालिक थे, हम ही उनको चलाते थे। कोई अमेरिका से लोग नहीं आते थे चलाने के। मगर ये तब तक थे जब तक हम एक परिवार में रहते थे। परिवार टूट गया, संघ टूट गया, तो ये सारी चीजें हमारी चली गई। और ये सारी चीजें क्या गई? ऐसी नौबत आ गई हमारी के गले में हांडी और पीछे झाड़ू की कहानी आपने सुनी है। सिर्फ इसलिए कि हम टूट गए तो बाबा साहब ने हमको इकट्ठा करने की कोशिश की, मगर अकेले व्यक्ति कैसे इकट्ठा करते? तो इकट्ठा करने का साधन दे गए कि अगर तुम इकट्ठे हो जाओगे तो तुम्हारी बात चल जाएगी। कैसे चल जाएगी? तो वो कहते हैं कि देखो मैंने राजाओं को खत्म कर दिया, अब राजा नहीं छोड़े मैंने यहां, कबीले के जो छोटे छोटे राजा लोग बने हुए थे वो सारे मैंने खत्म कर दिए और मैंने सबको बराबर कर दिया। तो मैं सबको तो नहीं इकट्ठा कर पाया, संघ नहीं बना पाया, क्योंकि संसाधन नहीं थे। जितने वो बना पाए, जितनी संस्था वो बना पाए, जैसे उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी, एक सामाजिक SC ST फेडरेशन बना दी, एक एजुकेशन सोसाइटी बना दी, एक उन्होंने प्रबुद्ध भारत में भारतीय बौद्ध महासभा बना दी, ये काम वो करके नींव रख के चले गए। मगर हमारे जो होनहार लोग हैं, हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनके आगे पीछे डिग्रियों की भरमार है, उन्होंने कहा बाबा साहब ने 4-5 संगठन बनाए हैं तो हम बाबा साहब का काम आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने काम आगे बढ़ा दिया बाबा साहब का और 4-5 संगठन के 4-5 लाख संगठन बना दिए। बहुत अच्छा किया। किसी ने कह दिया होगा कि संगठन में शक्ति होती है, तो उन्होंने 4-5 लाख संगठन बना के शक्ति इकट्ठी कर ली। और शक्ति का फायदा यह हुआ कि जो बाबा साहब लेके आए थे सारे के सारे, वो सारी चीजें चली गई। भाई कैसी शक्ति इकट्ठी करी, कैसे पढ़े लिखे? में सबको आना है, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने बुद्धिजीवी हैं, भाई अलग अलग अपना दिमाग मत चलाओ। दिमाग चला के तो बाबा साहब चले गए, वो सब कुछ बता के चले गए। अगर उन पर यकीन है तो एक जगह काम करो, और उन पर यकीन नहीं है तो काम करना बंद करो, उससे नुकसान नहीं होगा। ये बात जब वी द पीपल कहता है, बार बार कहता है, तो बहुत सारे अपनी सीट से उछल जाते हैं। और अभी तो वी द पीपल इससे आगे भी कहता है कि भाई जान बचानी है तो इन संगठनों की संख्या कम करो, क्योंकि इनसे अब फायदा नहीं हो रहा। हो सकता है थोड़ा बहुत फायदा किसी किसी को इंडिविजुअल हुआ होगा, मगर सामाजिक तौर पे, पूरे देश के तौर पे हमारी स्थिति खराब है। बाबा साहब जो कारवा लेके आए थे, वो कारवा बाबा साहब ने कहा था कि अगर आगे ना ले जाओ तो उसको यहीं छोड़ देना, और आपने इसको पीछे पहुंचा दिया। तो आपने बाबा साहब की बात नहीं मानी। काम आप बाबा साहब का कर रहे हो, नाम बाबा साहब का ले रहे हो, चंदा बाबा साहब के नाम पे इकट्ठा कर रहे हो, संगठन बाबा साहब का बनाते हो, और बाबा साहब के कारवा को पीछे पहुंचा दिया। तो काम उल्टा हो रहा है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है, संगठनों को ऐसे कह देते हैं, वैसे कह देते हैं। भाई हम तो कहेंगे, क्योंकि हर संगठन की एक कार्य की सीमा होती है, हर संगठन की एक एज होती है। जैसे कोई व्यक्ति सदा जीवित नहीं रहेगा, और हम ये कहते रहे कि 80 साल का बूढ़ा वही काम करेगा जो 30 साल का जवान करता है, नहीं कर सकता। 30 साल के जवान की अपनी एक लिमिट होती है, वो पूरे 12 घंटे काम कर सकता है, 18 घंटे काम कर सकता है।
काम कर सकता है और सिर्फ वो सोएगा 6 घंटे और फिर काम पे लग जाएगा, मगर जो 60 साल का 70 साल का 80 साल का बूढ़ा या बूढ़ी है उसको 6 घंटे 12 घंटे 10 घंटे आराम करना पड़ेगा और वो 8-10 घंटे काम कर पाएगा, थक जाएगा, उसकी आंखें थक जाती हैं, उसके दांत थक जाते हैं, वो बोल नहीं पाता ज्यादा, चलने में दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है, तो क्योंकि उसके शरीर की लिमिटेशन है। वैसे ही दुनिया में जितने भी संगठन बने हैं या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी बनी है या जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, वो उनका एक लिमिटेशन होती है, उनका एक उद्देश्य होता है, उसके बाद में वो खत्म हो जाते हैं, फिर नए बनते हैं। और जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हों तो उनका मुकाबला करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे होने चाहिए। तो यहाँ भारत के अंदर सारे लोग जो जितने भी संगठन है वो कहते हैं कि ये जो संघ है संघ से हम परेशान हैं, और बनाते संगठन है। अब संघ में तो लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, और संगठन में कुछ हजार लोग हैं, तो संघ से संगठन कभी नहीं जीत सकता, तो उनको जीतने के लिए संघ ही बनाना पड़ेगा। तो वी द पीपल समण संघ के नाम से जाना जाता है कि अब हम समण संघ हैं। तो लोग पूछते हैं भाई समण संघ क्या बना दिया, दरअसल भूल गए लोग, क्योंकि संघ तो हमारा ही सब था, मगर अभी इसको समण कहना पड़ रहा है क्योंकि वमण ने भी अपना बना लिया है। वमण से हमारा कोई ऐतराज नहीं है, हर व्यक्ति अपनी तरक्की के लिए इकट्ठा होगा ही, प्रकृति का नियम है, और जो कम संख्या में लोग होंगे वो हमेशा इकट्ठे रहते हैं, अगर वो इकट्ठे नहीं रहेंगे तो मर जाएंगे। जंगल में जो सबसे कम जानवर होते हैं वो सबसे पहले इकट्ठे होते हैं, वरना वो मारे जाएंगे। ऐसे ही मनुष्यों के अंदर जो छोटे कबीले होते हैं वो सबसे पहले संगठित होते हैं, ऐसे ही किसी देश के अंदर जो अल्पसंख्यक होते हैं वो सबसे पहले इकट्ठे होते हैं। तो जो बहुसंख्यक हैं वो थोड़ा देर में इकट्ठे होते हैं, मगर उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर जीतना है तो इकट्ठा होने की लड़ाई इकट्ठे होने से होती है। तो इसलिए जो संघ है, संघ से लड़ने के लिए संघ चाहिए। तो पहले तो संघ एक ही था, बुद्ध का संघ। आज हम विपस्ना की बात कर रहे हैं तो संघ की बात भी करनी चाहिए, संघ की बात नहीं होती है, जबकि वी द पीपल का जो कंसेप्ट है वो संघ है। तो बुद्ध ने संघ बनाया, और संघ किसका बनाया, विपस्ना करने वाले 50,000 टीचर का। तो विपस्ना करने वाले संघ से क्या फायदा है, विपस्ना करने वाले संघ पे आप यकीन कर सकते हैं। यहाँ जो लोग विपस्ना करने वाले हैं, बहुत लोगों ने यहाँ विपस्ना की है, मैंने की है, बहुत सारे शिविर किए हैं, डॉक्टर लाल सिंह ने किए हैं, डॉक्टर यूवी सिंह ने किए, और भी लोग करके आ रहे हैं। आप इन लोगों पर आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग 100% शुद्ध लोग हैं। ये अपने लिए काम नहीं करेंगे, मर जाएंगे, मगर ये अपने इंडिविजुअल के लिए काम नहीं करेंगे। और जो जो सक्रिय कार्यकर्ता होना चाहता है, अब हमारे पास तो सुविधा है नहीं क्योंकि हम 10 दिन का कोर्स लगा सकें, इसके लिए पूरा एक हाउस चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, मगर सिस्टम बना के गए हैं गोयनका जी, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी मर्जी है पैसा देना चाहें। मगर अगर वी द पीपल समण संघ में अच्छी तरह काम करना चाहते हैं, गहरा काम करना चाहते हैं, तो एक बार उस रास्ते से गुजरिए, 10 दिन दे के आइए, उसके गुजरने में 99% लोगों को फायदा होता है। 1-8% कोई केस ऐसा भी है जो ढंग से काम नहीं करता, जैसे छुरी होती है, अब छुरी से सब्जी काटेंगे सब्जी की तरफ और उसको उल्टा पकड़ के चलाएंगे तो हाथ काट देगी, वैसे ही कई बार विपस्ना को लोग उल्टा करके सीखते हैं, अपना दिमाग वहां लगाते हैं, नियमों का पालन नहीं करते, तो उनको नुकसान भी हो जाता है, आपको नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सही तरीके से ट्रेनिंग करेंगे ऐसी गारंटी है। और अगर नुकसान हो भी जाता है तो विपस्ना के दोबारा कोर्स करने से वो ठीक हो जाता है, इसलिए कोई खराब वाली डरने वाली बात नहीं है। तो वो लोग करके आएंगे तो संघ और मजबूत होगा। अभी संघ बहुत मजबूत है, समण संघ पूरे भारत में सबसे ज्यादा मजबूत है, क्योंकि इसकी आधारशिला बुद्ध के संघ के लोगों ने रखी है, और बुद्ध के संघ के लोग मर जाएंगे मगर बदलेंगे नहीं, मर जाएंगे मगर अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नियम समण संघ विद पीपल में चल रहा है। और जो लोग अपने लिए काम करने आते हैं या जिनके अपने इशू होते हैं या अपना एजेंडा होता है वो लोग चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ कुछ मिलता नहीं, समण संघ पैसे भी नहीं लेता किसे, वी द पीपल ने साफ कहा है कि वो पब्लिक से पैसे नहीं लेगा, उसके खर्चे भी नहीं है, क्योंकि जो लोग पके हुए होते हैं उनका कोई बीमारी नहीं होने, ना वो शराब पीते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना जुआ खेलते हैं, ना उनको किसी के पैसे पे घूमना है, ना मौज करनी है, उनके खर्चे ज्यादा नहीं होते, तो यहाँ खर्चे भी बड़े कम है। तो नियम वही लिया जो संघ का नियम है, भाई अपनी रोटी लेके आओ, अपनी दरी लेके आओ, अपना पानी लेके आओ, अपनी अपने वाहन से आओ, साइकिल से आओ, पैदल आओ, बस से आओ, और वहां इकट्ठे होना है, अपना खाना खाना है, मिलने जुलने की बात करनी है, चले जाना है, तो पैसे किसने खर्च होने हैं। तो नियम बनाया कि भाई जैसे संघ में पैसे नहीं लेते थे पुराने लोग, वैसे यहां भी पैसे नहीं इकट्ठे करेंगे, थोड़ा बहुत काम चला लेंगे तो अपनी जेब से दे देंगे जो इसके एक्टिव मेंबर है, बाकी मेंबर इसके सारे हैं, जो समण है, जो SC ST OBC है, वो सारे इसके मेंबर है, चाहे वो कहीं भी काम कर
कर रहा है, पूरे भारत में या भारत के बाहर है, वो उसका मेंबर है और वो घोषित मेंबर है, ऐसा नहीं है कि अघोषित है। वो अपना राइट ले सकता है, जो यहाँ मेंबर के राइट हैं, जो यहाँ समर संघ के मेंबर के राइट हैं, वो ले सकता है, उसको लेने चाहिए। और जो एक्टिव मेंबर हैं, जो बनना चाहते हैं, उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कोई जो एक्टिव मेंबर होगा वो उस एक्टिव मेंबर को लेके आ सकता है। यानी एक्टिव मेंबर बनने की जो कंडीशन है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि इसमें एक्टिव मेंबर कौन है। यहाँ एक्टिव मेंबर बहुत सारे हैं और इनकी संख्या सैकड़ों से ऊपर हो चुकी है अब, और पूरे देश में बहुत ज्यादा एक्टिव मेंबर हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। ये जूम पे जितना काम चलता है उससे ज्यादा अब जमीन पे चलता है, क्योंकि अब इसकी मीटिंग लगनी शुरू हो गई है। जैसे कल परसों को दिल्ली में मीटिंग है, एक पूरा पूरा पिकनिक लगेगा समाज का, जो समझ होगा, जो इकट्ठे होंगे समाज, वो इकट्ठे होंगे, सब अपना दरी, अपना चादर, अपना पानी, अपना पिकनिक का सामान सारा लेके आएंगे। 11 बजे बुद्धा जयंती पार्क में पहुंचेंगे और इंडिविजुअल पहुंचेंगे, इंडिविजुअल कैप्चरिंग पहुंचेंगे, कोई बैनर नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, सारे बैठेंगे। जिनको धम सीखना धम सीखे, जिनको राजनीति सीखनी राजनीति सीखे, जिनको व्यापार सीखना है व्यापार सीखे, जिनको गपशप करनी है गपशप सीखे, जिनको गाना गाना है गाना गाए, जिनको गाना सुनाना है गाना सुनाए, जिनको रस्सी से खेलना है रस्सी से खेले, जिनको फुटबॉल से खेलना है फुटबॉल से खेले, जो एकांत में कहीं विपश्यना करना चाहे विपश्यना करे। बहुत बड़ा पार्क है, साथ बैठ के भोजन होगा, साथ बैठ के खाएंगे। एक आदमी का भोजन फालतू लाएं, क्योंकि भिक्कू भी आएंगे, उनका भोजन हम ही कराएंगे, तो अपने हिस्से में से कराएंगे, तो किसी का कोई पैसा खर्च नहीं होता। हर महीने कार्यक्रम लगेगा, दिल्ली में हर महीने का हो गया है, अगली बार 28 को लगेगा, 28 नवंबर को, उसके बाद फिर 6 दिसंबर को लगेगा, लगातार लगता रहेगा, हर महीने लगेगा। तो अब बाहर भी स्टार्ट हो गया है, जैसे 31 तारीख का मुरादाबाद में होगा, बड़ा कार्यक्रम होगा, और उसके बाद में लखनऊ के अंदर है जो 26 दिसंबर को डॉक्टरों का होगा, और बीच में भी कार्यक्रम आ रहे हैं और लग रहे हैं। तो ये अब जमीन पे आ गया है जो समर संघ है, तो इसका मतलब समर संघ का काम अब रियलिटी में यानी एक्चुअलिटी में स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमको इससे जुड़ना चाहिए, उनको तुरंत जुड़ना चाहिए। तो कुछ लोगों का इसमें संशय होगा, भ्रम होगा कि इसमें क्या है, क्या इसमें लीडरबाजी है, तो लीडर कौन है? तो इसमें कोई लीडरबाजी है नहीं, इसका कोई नेता नहीं हो सकता, क्योंकि संघ का नियम होता है, संघ का नेता संघ ही होता है, व्यक्ति कभी नहीं होता। संघ के फैसले संघ ही करता है, संघ के एक्टिव मेंबर बैठकर इसका फैसला करते हैं। कोई व्यक्ति अगर इसका नेता बनेगा या इसमें धाक जमाएगा या इसमें चलेगा, तो संघ उसी दिन खत्म हो जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि संघ का नियम ही नहीं है कि कोई व्यक्ति इसको ऊपर लीड करेगा, संघ ही करेगा। तो संघ का मालिक संघ होता है। बुद्ध भी संघ के अधीन थे, संघ के मालिक थे, जैसा कि कटके साहब ने कल बताया था कि बाबा साहब ने जब दीक्षा लेने से पहले भिक्खुओं से कह दिया कि मैं भिक्खु संघ को प्रणाम नहीं करूंगा, भिक्खु संघ की शरण में नहीं जाऊंगा और मैं ये बोलूंगा भी नहीं। तो भिक्खु ने समझाया कि बाबा साहब, आप अगर भिक्खु संघ को प्रणाम नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप बुद्ध की शरण में भी नहीं जा सकते, आप बुद्ध को भी प्रणाम नहीं करते, आप बुद्ध की शरण में नहीं जा सकते। तो बाबा साहब ने पूछा, क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि बुद्ध भी संघ के अधीन रहते हैं, संघ में ही बुद्ध हैं। तो आपने अगर संघ को प्रणाम नहीं किया तो बुद्ध को भी प्रणाम नहीं किया। तो बाबा साहब को ये समझ में आ गई। तो तभी हम लोगों को ये बात समझ में आई कि संघ का मालिक तो संघ होता है, बुद्ध नहीं होते, तो संघ का मालिक संघ है। तो वहीं से तो नियम लिए हैं सारे, विनय पीटक से नियम लिए हैं और कुछ संविधान से लिए हैं। तो यहां सारी प्रक्रिया संवैधानिक है। तो कोई लोग कहते हैं, जी हम कैसे यकीन करें? तो यही पस्सी को आओ और देख लो भाई, आप इसमें एंटर करो, अपना यहाँ जो चैट बॉक्स है उसमें अपना नंबर डालो, उसमें कहो कि हम इसके एक्टिव मेंबर बनना चाहते हैं। कोई एक्टिव मेंबर आपसे कुछ सवाल पूछेगा, कुछ जवाब पूछेगा, कितना काम कर सकते हैं कितना नहीं वो पूछेगा, वो रिकमेंड कर देगा, आप इसके मेंबर बन जाएंगे। कोई फीस नहीं है एक्टिव मेंबर की भी, कोई पर्ची नहीं कटती, कोई कुछ नहीं है, इसका कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। संघ का ना बैंक अकाउंट होता है और ना ही संघ का कोई रजिस्ट्रेशन होता है। संघ तो पूरे भारत का होता है, 115-120 जो करोड़ SC ST OBC लोग हैं उनका संघ है। और बनाया किसने है? ना तो डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, हालांकि उन्होंने भारत गणराज्य संघ का सिद्धांत दिया है जो बुद्ध से लिया है संविधान में, मगर उन्होंने बनाया नहीं, उन्होंने लिया है। तो लोग कहते हैं कि अब बुद्ध ने बनाया है, नहीं बुद्ध ने भी नहीं बनाया, संघ बुद्ध ने भी नहीं बनाया, बुद्ध ने तो कुछ नियम जोड़े हैं और कुछ नियम पकाए हैं उसमें अच्छी तरह से। तो संघ का नियम प्राकृतिक रूप से पहले से चला आ रहा है। वजी लोग क्या करते थे? साके लोग संघ में रहा करते थे, उनको भी छोड़ दो, जब हम बंदर थे तब भी हम संघ में रहते थे। जितने जानवर हैं वो सारे संघ में रहते हैं, जितने बनमानुष हैं वो सारे संघ में रहते हैं, छोटी छोटी चींटियां भी संघ में रहती हैं, मधुमक्खी भी संघ में रहती हैं, मछलियां भी संघ में रहती हैं, चिड़िया भी संघ में रहती हैं, और इनकी बात छोड़ दो, पेड़ पौधे जो एक ही प्रकार के होते हैं जैसे झाड़ियां हैं वो भी झुंड में रहती हैं, अकेली झाड़ी भी खत्म हो जाती है।
तो प्राकृतिक नियम है जान बचाने का। तो अभी एक दिक्कत आ गई है, दिक्कत यह आ गई है कि हमारे जो विद्वान हैं जिन्होंने बाबा साहब के कहे अनुसार संगठन पर संगठन बना लिए, उससे हमारा रिजल्ट सारा चला गया। तो उनकी हमने खुशामद की, देखो भाई विद्वानों समझो बात को, उनको बुलाया, देखो अब विद्वता झाड़ने का समय नहीं है, अब एक दूसरे को ये कहने का समय नहीं है कि मैं पीएचडी हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं बायोटला हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढलाना हूं, या मेरे पास इतनी अकल है या इतनी पूंजी है। अभी समय इमरजेंसी का है। आप खुद ही तो कहते हो 2 साल में ऐसा हो जाएगा, 3 साल में ऐसा हो जाएगा, एजुकेशन सारी खत्म हो गई है, महंगी हो गई, आप ही हमें बताते हो भाई, आपने हमें बताया था कि हमारे बच्चों को अब नौकरी नहीं मिलने वाली है, आप ही सारी समस्या बताते हो मगर समाधान के नाम पे भाग जाते हो, और समाधान भी आप बताते हो, आप कहते हो इकट्ठे हो जाओ तो हम आपका समाधान ही मानते हैं, मगर आप इकट्ठे नहीं होते। ये बात हमने उनको कही, हाथ जोड़ के कही। अब उन सारे लोगों की एक इच्छा है, वो इच्छा ये है कि भाई इकट्ठे तो हो जाएं पर नेता हम रहेंगे। ये नेतागिरी का चस्का बड़ा बुरा है, जिसको लग जाए इस मार से ज्यादा बड़ी मार नहीं होती कोई नेता के लिए। 10 मार बताइए बुद्ध ने, उसमें ये प्रशंसा की मार है, प्रसिद्धि की मार है, क्योंकि उसको बीच की कुर्सी की प्रसिद्धि की आदत पड़ गई है, उसको नेताजी नेताजी मान जी प्रधान जी बाबूजी कहने की आदत पड़ चुकी है, वो उसको खोना नहीं चाहता। रात को जब वो सोता है तो सीएम की शपथ लेकर सोता है, और सुबह उठता है तो पीएम की शपथ लेकर उठता है, ये उसका सपना होता है। और ना हो कम से कम तो कहीं कौंसलर बन जाए, कहीं एमएलए बन जाए, क्योंकि वो दुनिया में देखता है कि बड़ी इज्जत है इनकी, वो उसको चाहिए। तो वो तो भाई किसी भी हालत में अपना सपना छोड़ने को तैयार नहीं है, उनको इतनी भी समझ नहीं है कि भाई जब हम ही मर जाएंगे तो तुम नेता किसके बनोगे, वो तो लोग तुम्हें नेता बनाएंगे नहीं, उनके तो तुम गुलाम ही रहोगे। तो नेता बनाने के लिए हम ही तैयार हैं, मगर जब हम मर जाएंगे तो हम कैसे नेता बनाएंगे। तो हमने उनसे कहा भाई आप ही तय कर लो कि जिसको नेता बनना है, हम तो सबको नेता मान लेंगे, मगर हमारी जान बचाओ। तो इतना तो सोचो कि अगर हम सारे मर गए तो तुम्हें नेता कौन बनाएगा, तुम किसके नेता बनोगे। मगर उनका ईगो अहम और उनकी नेतागिरी और उनकी ये प्रसिद्धि पाने की जो इच्छा है, नेता बनने की इच्छा है, ये इतनी बलवती है, इतनी बलवान है, उन्होंने इस बात पे पानी नहीं दिया, ना ही सोचा। तो मरता क्या ना करता। तभी ये घटना घटी कि 2 अप्रैल को से पहले हमारा जो SC ST का एक्ट है वो पन्ना हमारा निकाल के संविधान से फाड़ के फेंक दिया। तो नेताओं से कहा कि नेता भाई लोगों इसको बचाओ, इसको हमें ठीक करो। तो नेता लोगों ने कहा कि जी ये जो होता है ये संवैधानिक है, और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कोई नहीं आया, ना कोई ब्यूरोक्रेट आया, ना ही कोई नेता आया। तो मरता क्या ना करता जितने लोग थे वो सारे सड़क पे आ गए, ऐसी सड़क पे आ गए, किसी ने व्हाट्सएप पर डाल दिया मैसेज, सब लोगों को लगा कि अपनी जान बचानी तो इकट्ठे हो जाओ, और इकट्ठे होते चमत्कार हो गया। संविधान कहता है यस, मैं यही तो कह रहा था तुमसे कि अगर तुम इकट्ठे होके आओगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, क्योंकि मेरे अंदर तुमने ये लिखा है कि जिसका बहुमत होगा उसके हक में मैं खड़ा हो जाऊंगा। आज तुम 50% से ज्यादा इकट्ठे हो गए, सड़क पे आ गए, तो मैं तुम्हारा पन्ना वापस छोड़ देता हूं। तब ये बात समझ में आई कि बाबा साहब ने क्यों कहा था संगठित हो जाओ, और बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि भाई संगठित होना है तो नेता ढूंढना है तुम्हें, नेता को छोड़ दो, यानी नेता की जरूरत ही नहीं है। ये बात हमें समझ में आ गई, और ये भी समझ में आ गई कि बाबा साहब ने नेता के लिए नहीं कहा, बाबा साहब ने सिर्फ इकट्ठा होने के लिए कहा। तो इकट्ठा हो जाते हैं, तो उस दिन इकट्ठे हुए तो बच गए, आधे दिन के लिए इकट्ठे हुए तो एक संविधान का पन्ना जुड़ गया, पूरे दिन के लिए इकट्ठे हो जाते तो जो पन्ने पहले फटे हैं वो जुड़ जाते, और अगर हमेशा के लिए इकट्ठे हो जाते तो कोई पन्ना फटेगा नहीं, और जो पन्ने फट गए हैं वो जुड़ जाएंगे, और जो पन्ने अभी नहीं जुड़े हैं, जो बाबा साहब नहीं जुड़ पाए थे क्योंकि संघ नहीं था उनके पास में, वो भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि संविधान ये कहता है कि मेरी ताकत आपके इकट्ठे होने में है, आपके नेताओं में नहीं है। मैं वी द पीपल से चलता हूं, मेरी पहली लाइन पढ़ो ध्यान से, वी द पीपल ऑफ इंडिया है, कहीं लिखा है मैंने इसमें, या कहीं आपने इसमें लिखा है कि ये वी द MP ऑफ इंडिया है, या वी द MLA ऑफ इंडिया है, या वी द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, या वी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा है कहीं? वी द पीपल है, यानी जैसे आप चाहोगे मैं तो वैसे ही काम करूंगा, मैं तो आपका गुलाम हूं, मगर मेरी शर्त है जो आपने लिखी है कि आपको इकट्ठे होकर आना पड़ेगा, और किसी नेता की आवश्यकता नहीं है मुझे, संविधान कहता है किसी नेता की आवश्यकता नहीं है, बस संख्या बल दिखा दो मुझे। तो हमारे पास में ना दुकान है, ना इस समय जमीनें हैं, ना खेती है, ना इंडस्ट्री है, ना फैक्ट्री है, ना हम विदेश जा सकते हैं, ना हमारे पास धन दौलत है, और जो थोड़ी बहुत एजुकेशन है वो है, बाकी रास्ते बंद हो गए, मगर संख्या बल है हमारे पास में, बस क्या करना है, संख्या बल में इकट्ठा होना है। बाबा साहब ने कहा संगठित रहो तो एजुटेशन अपने आप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 2 अप्रैल को इकट्ठे हुए थे, अपने आप ही संघर्ष हो गया और अपने आप ही पन्ना जुड़ गया, बस इकट्ठा होना है। तो परमानेंट जैसे इकट्ठा होते हैं, संविधान को पता चल जाता है कि ये लोग परमानेंट इकट्ठे हैं। कैसे? जैसे
संविधान को यह पता है कि 2 करोड़ सिख एक साथ इकट्ठे हैं, तो संविधान उनकी हमेशा सेवा करता है, उनको सड़क पर आने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही वो सड़क पर आते। उनके जो सिस्टम बना हुआ है, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है या जो और कमेटियां बनी हुई हैं, उनसे पता चलता है कि वो इकट्ठे लोग हैं। दुनिया में कहीं उनकी पगड़ी हिलती है तो पूरी दुनिया में आग लग जाती है, सारे लोग एक साथ उसको रिपेल करते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो इकट्ठे हैं। तो ये इकट्ठे होने का काम तो हमारा था, सारी दुनिया में हर तरह के लोग इकट्ठे होते हैं, हम ही इकट्ठे नहीं है। तो एक बार इस मंत्र को भी अपना के देख लेना चाहिए, एक बार इस बात पर भी हमें आ जाना चाहिए कि बाबा साहब ने जो कहा है उनकी एक बात पर मान लें। भाई इकट्ठे हुए लोगों के लिए शिक्षित होने की जरूरत नहीं है, आप शिक्षित हैं या नहीं है, और इकट्ठे होने में क्या बाधा है? कोई वहां लिखा हुआ थोड़ी है कि वही इकट्ठे होंगे जो शिक्षित हैं, या वो इकट्ठे नहीं हो सकते जो शिक्षित नहीं है। साफ तौर पर संगठित होना है जिस तरह के भी हैं। अभी हमारे पास इमरजेंसी है, आपातकाल है, और हमारे पास इकट्ठे होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कोई कहे कि मैं प्रबुद्ध भारत बनाऊंगा, भाई बना लेना, जिंदे रहोगे तब बनाओगे ना। कोई कहे मुझे सारी नौकरियां लेके मानेंगे, हम तो आरक्षण लेके मानेंगे, भाई ले लेना, जिंदा रहोगे तभी तो दोगे। कोई कहता है जी हम सत्ता लेंगे, हम तो ये बनेंगे, अरे भाई सत्ता ले लिया लेना, पर जिंदे रहोगे तभी तो रोल लोगे। तो जिंदा रहने की जो पहली शर्त है वो है संगठित होना। अगर आप संगठित नहीं हुए तो क्या होगा कि आप बेशक पढ़े लिखे हैं मगर नौकरी नहीं मिलेगी, तो आपको पुश किया जाएगा खराब काम करने के लिए, कोई चमड़े का काम, कोई गंदगी उठाने का काम, और इस बार तो वो काम भी नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो मशीनें आ गई हैं, और 30 साल में पूरे भारत में मशीनें आ जाएंगी। सफाई की मशीनें आ गई हैं, लेदर की मशीनें आ गई हैं, घर में छोटे मोटे काम करने की मशीनें आ गई हैं, कारपेंटर की मशीनें आ गई हैं, लोहे की मशीनें आ गई हैं, रोबोट काम कर रहे हैं, और मुसीबत हो जाएगी, फिर कैसे करोगे? अस्पताल बहुत महंगे हो गए हैं और सारे अस्पताल सरकारी से प्राइवेट हो जाएंगे, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा प्राइवेट है, तो आप इलाज नहीं कर सकते, बिना इलाज के मारे जाओगे। खाना सारा पैक होने वाला है, पैक खाना मिलेगा, अब नियम आ गया है। सरसों का तेल भी पैकेट में मिलेगा, वैसे सरसों का तेल खुला मिलेगा 100 रुपये और पैकेट में मिलेगा 400 रुपये। जैसे पैकेट की मूंगफली मिलती है 20 रुपये की 50 ग्राम, यानी 400 रुपये किलो, और खुली हुई मूंगफली मिलती है 130 रुपये किलो, तो आप 4 गुने आपको खर्च करना पड़ेगा, और आमदनी आपकी रहेगी नहीं, क्योंकि अभी तो प्राइवेट में आपकी 80,000 से तनखा 20,000 कर दी है, और उसके बाद जब सारा आउटसोर्स हो जाएगा और कुछ बचेगा नहीं, तो 20,000 के भी आपको 8,000 मिलेंगे, तो 8,000 में आप 400 रुपये किलो मूंगफली कैसे खाओगे, और कैसे खाओगे 100 रुपये किलो का आटा? तो आपके तो खत्म होने के दिन आ गए। अगर बचना है तो अभी मौका है, मौका इसलिए है क्योंकि अभी संविधान जिंदा है। अगर संविधान हट गया और फिर आप इकट्ठे हुए तो फिर किससे कहोगे कि हम इकट्ठे होकर आ गए, 50% हमारी जनसंख्या है तो हमें अधिकार मिलना चाहिए, फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए इमरजेंसी है, ये आपातकाल है। जो लोग बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, हमारे बुद्धिमान लोग जो बहस कर रहे हैं, जो जगह जगह जा रहे हैं, उनको कहो कि भाई इकट्ठे होने का समय है, एक्शन का समय है। बाबा साहब सब देखे गए हैं, बुद्ध सब देखे गए हैं, अपना दिमाग मत लड़ाओ जाता, और हमारा दिमाग भी मत खराब करो। अब तो एक ही बात रहेगी, जुड़ना है और जोड़ना है, जिद्द है जिंदा रह जाने की, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, जहां जहां जुड़े हैं वहां वहां जीते हैं, जैसे जैसे जुड़े हैं वैसे वैसे जीते हैं, अभी जुड़ेंगे अभी जीत जाएंगे, और अगर संविधान के बाद जुड़े तो जीत नहीं पाएंगे। फिर चाहे सारे इकट्ठे हो जाना, फिर आपको असहयोग आंदोलन और आपको सड़कों पर आंदोलन करने पड़ेंगे, हो सकता है वहां पुलिस की लाठियां डंडे और गोलियां मिले, जैसे पहले अंग्रेजों के समय मिली थी, क्योंकि संविधान आपके साथ नहीं होगा। इसलिए जब तक संविधान है तब तक जुड़ना है, समय बड़ा कम है, सभी लोगों को जुड़ना है और इसमें सबको लगना है, ये सबका काम है। वी द पीपल में साधारण लोग है, वी द पीपल में लीडर या नेता नहीं है, और यहाँ संघ है। इसलिए जिनको ये अच्छा लगता है वो इसमें जुड़ जाए, और अगर किसी को ये अच्छा नहीं लगता है तो वे बता दो, वी द पीपल उसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि वी द पीपल का तो काम ही है जुड़ने का, जुड़ने का, वो जुड़ने के लिए भी तैयार है और जुड़ने के लिए भी तैयार है, जो जैसा जुड़ना चाहता है वैसे जुड़े। धन्यवाद। थैंक यू सुधीराज जी। साधु 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 बहुत बहुत साधु 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 बहुत बढ़िया सर जी। महोदय जय भीम सभी को जी। डॉक्टर क्या नाम कटके साहब जय भीम। आज मैं दीक्षा भूमि जाकर आया हूँ। अच्छा अच्छा वेलकम, अच्छी बात है। हर दिन हर साल जाता हूँ, बहुत सारी एनर्जी मिलती है, तो अब वो एनर्जी हम ले लेते हैं आपसे सारी। आदरणीय कटके साहब, मैं भी 3-4 दिन पहले होके आया हूँ सर। जय भीम सर। 3-4 दिन में नहीं मिलती, आज के दिन मिलती है सर, ऐसा कुछ नहीं है। जय भीम सभी को।
जय भीम नमः बुद्धाय। नहीं मिलता ऐसी कोई बात नहीं है। चलो अच्छी बात है। रणवीर भाई साहब तो और भी एनर्जी लेके आ रहे हैं कहीं से। आज तो मैं जबरदस्त लेके आ रहा हूँ, फोटो देखी होंगी। देख ली मैंने जान करके डाली वो। ना ना बढ़िया डाली है। ये भी आदमी सोचे के थे जो ना वो ऐसा नहीं है। सभी भाइयों को जय भीम नमो बुधाय। करमवीर जय भीम नमो बुधाय। डॉक्टर साहब हाँ, परिहार जी को जय भीम नमो बुधाय। भाई साहब मैं आजकल जो स्वास्थ्य प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ और रिकवर नहीं हो रहा। नहीं एक्चुअली स्पेशल रिक्वेस्ट पे आए हैं डॉक्टर साहब। अच्छा स्वास्थ्य हाँ। की दिक्कत होगी। एक हफ्ता घूम आए वहां सारा गड़बड़ होगी। अच्छा वो सर आवाज ओपन कीजिए सर। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय सभी भाई। जय भीम नमो बुद्धाय। भैया सभी को 30 साथी हो गए हैं। परिहार जी नंबर बोलना एक बार क्या है इसका। बुद्ध वंदन आईडी का नंबर। डॉक्टर लाल सिंह जी बुद्ध वंदना कराएंगे। 850 6124 7168। एक मिनट बोलो आराम से। कितना 8508 6124 7168 68। थैंक यू। जय भीम नमो बुद्धाय। राजकुमार जी कुछ नए फर्स्ट टाइम जुड़े हैं क्या। हाँ जय भीम। जय भीम मैम सभी को। जय भीम भैया। जय जय भीम नमो बुद्धाय सबको। हाँ सर जय भीम नमो बुद्धाय। क्या बुद्धवंदना कराएं सर पहले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जय भीम पहले बुद्धवंदना। तो जैसी आपकी आज्ञा हो। अगर भंते जी हैं तो भंते जी कोई हैं तो उनसे अनुरोध कर लें। भंते जी तो नहीं नजर आ रहे अभी। डॉक्टर साहब है ना भंते जी। तो फिर लाल साहब भंते जी हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। चलिए चलिए बुद्ध वंदना तो मैं करा देता हूँ उनके। सर जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ जी डॉक्टर लाल। हाँ ठीक है सर। सभी साथी अपने जो माइक है उनको म्यूट कर लेंगे और मन से वो उन शब्दों का आवाहन करेंगे जो मैं बोलूंगा जी। क्योंकि बीच में उससे जो है जो भाव होता है सभी के बोलने से ध्वनि जो है वो भिन्न भिन्न तरंगों वाली हो जाती है। तो सभी भाई लोग शांति से मैं त्रिशरण का पाठ पढ़ता हूँ। सभी अपने माइक भाई लोग सभी म्यूट कर लें। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य
नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ततीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि ततीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि ततीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। शिखा पदन समाधिया वेरमणि अमेच्छा पदन समाधिया मे मूसा वादा वेरमणि शिखा पदन समाधिया मे सूरा मेरया मज्जे पमा दक्षणा वेरमणि शिखा पदं समाधियामि। साधु 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 साधु। ये जो त्रिशरण और पंचशील का जो पाठ अमूमन हमारे सभी धम्म बंधु और बहिने सुनते हैं, यह कोई कर्म कांड नहीं है। नमस्कार करो उनको जो इस धरती पर भगवतो हैं, अरहतो हैं और सम्यक संबुद्ध है। भगवत की परिभाषा है, अरहत की परिभाषा है, सम्यक और संबुद्ध की भी परिभाषा है। हम बुद्ध की शरण, धम्म की शरण और संघ की शरण की बातें करते हैं, बुद्ध के गुणों की शरण की बातें करते हैं, धम्म में जो गुण है उसकी शरण की बातें करते हैं, संघ में जो गुण है उनकी शरण की बातें करते हैं। इसको विस्तार से पाली भाषा में दिया गया है, सभी भाई बहनों को इसे याद करने की आवश्यकता है। जो पांच शील हैं, इनका पालन प्रति क्षण प्रति व्यक्ति के द्वारा इस संसार में किए जाने की जरूरत है। ये हमारे अपने कल्याण के लिए है, हमारे अपने उत्थान के लिए है, हमारे अपने भले के लिए है। इसको जितना हम पांच शीलों को जीवन में धारण करेंगे, ये जीवन उतना ही कल्याणकारी होगा। ये है बुद्ध वाणी का प्रताप, ये है बुद्ध वाणी का प्रताप। कोई इस रास्ते चले तो सही। धन्यवाद सर, धन्यवाद। साधु 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 साधु। सभी को जय भीम नमो बधाई। जय भीम नमो बुद्धाय भैया। और साहब कैसे हो? ठीक हो? हाँ राजवीर जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सत्ता व दुखी मन जाता है पानी पटवा। मैं तो सोच रहा था बोल नहीं, बस बस पंगा ले पता नहीं कहां से उड़ जा गया। आज की साथी हैं, उनसे पहले निवेदन ये, परिचय जरूर दें। पुराने साथियों का परिचय ना हो पाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा कोई भी साथी जो नया जुड़ा है आज, वो बिना परिचय के नहीं रहना चाहिए।
तो कृपया करके या तो हैंड रेस करें, अन्यथा अपने आप जो भी नए साथी हैं एक एक करके आए और अपना परिचय दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, ये होना चाहिए। सत्यवान बोल रहा हूँ कलकत्ता से। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं मुझे मालूम है, सत्यवान को मैंने जब गुजरे थे तब मैंने देख लिया था। आपकी सुगंध जो है मुझे कलकत्ता से यहाँ तक आने में कुछ क्षण लगते हैं भैया। नहीं नहीं, आपकी तो सारे संसार में फैल लिए है डॉक्टर साहब। सत्यवान जी प्रियम्बल, प्रियम्बल पढ़ो आप आज। प्रियम्बल पढ़ो। हाँ हाँ भाई साहब, सत्यवान जी अगर हो सके तो प्रियम्बल पढ़ो। हाँ, आपके पास खोज लेता हूँ, होना तो चाहिए। अच्छा चलो, और कोई इसमें देख लो अगर होता है तो। होना तो चाहिए। मैं पढ़ देता हूँ, मिल गया। हाँ पढ़िए भाई साहब, पढ़िए। धन्यवाद। मैं पढ़ देता हूँ। जी जी पढ़े। सभी साथियों को जय भीम नमो बुधाय। मैं सत्यवान कलकत्ता से। भारत का संविधान उद्देशी का, मेरी आवाज आ रही है ना ठीक ठाक? हाँ जी आ रही है। हम आवाज कट गई आपकी, पूछ रहे थे तब आ रही थी, अब कट गई। सत्यवान भाई आवाज कट गई। और नेट वेट की प्रॉब्लम होती है ना एकदम। आगे दिया सत्यवान। हाँ सचिन भाई, दूसरे भाई तुरंत शुरू करें भैया, है महत्वपूर्ण कार्य है। जी जी पढ़े भैया। तो आपकी जीत नहीं आ रही छुट्टन लाल जी। ना ना छुट्टन लाल जी की आवाज भी कुछ कट रही है। नहीं मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? अरे आ गए भाई साहब, आ गए। सुनिया सुनिया आ जाइए आइए। नहीं मैं ये उद्देशी का पढ़ो। आप पढ़ो, पढ़िए पढ़िए पढ़ो। दोबारा से शुरू करता हूँ। हाँ हाँ करो। हाँ पढ़िए। भारत का संविधान उद्देशी का, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय भैया। जय भीम, बहुत सुंदर। जय संविधान, जय संविधान। तो दो हमारे महत्वपूर्ण कार्य हो गए, जो हमारी जो सभाएं हो रही हैं इनके ये विशेष कार्य होते हैं। बुद्ध वंदना का पाठ होना, प्रियम्बल का पढ़ना, ये दो का वाचन पूरा हो चुका है। अब मेरा जो निवेदन है वो ये है कि जो हमारा कोई भी साथी, जो नए साथी हैं, यदि वो आते हैं अपना परिचय देते हैं तो, क्योंकि नए मेहमान का जो स्वागत है उसको करने में जो हमें हर्ष महसूस होता है। एक भाई ने, अमित वर्मा जी हैं, अमित वर्मा जी कृपया करके आए अपना परिचय।
अमित वर्मा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हेलो, आप तो देहरादून वाले तो नहीं है? पानीपत वाला अमृत वर्मा आर्किटेक्ट बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ भैया, नमो बुद्धाय भैया, नमो बुद्धाय। अभी दिनों से जुड़ नहीं पाया था, काम नौकरी के काम के सिलसिले में कहीं बिजी था, तो आज मैंने कहा फ्री हूँ, जुड़ो एक बार। जी भैया जी, बहुत सुंदर जी। हाँ। तो विदा पीपल का कंसेप्ट तो आपको काफी क्लियर है, आपका तो बड़ा एक्टिव रोल रहा भैया। हेलो हेलो, क्लियर है डॉक्टर मुझे कंसेप्ट? बहुत सुंदर भैया। हाँ जी हाँ जी, बस बच्चों के एडमिशन में काफी बिजी थे इसलिए जुड़ नहीं पाया। नहीं वो तो देखो, तो उतार चढ़ाव तो प्रकृति के नियम है भैया, आते रहते हैं, कभी समय होता है कभी नहीं होता है। मैंने बहुत मेहनत की, मैं एक महीने से, मेरे को लग रहा है कि मैं एक महीना निकल गया, मैं रोज आना आप लोगों के बिना रहता हूँ। आज काफी दिनों के बाद शामिल हुआ हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। जो और जो भाई हैं, जो और जो दूसरे नए भाई हैं, अगर वो अपना परिचय देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर साहब, जय भीम। जय भीम नमो। मैं बीरेंद्र सिंह आजाद, अमरोहा से। हाँ डॉक्टर साहब, हमारे बीच में एक मुंबई से जुड़े हैं राजेंद्र सिंह जी। जय भीम। मुंबई से राजेंद्र सिंह जी जुड़े हैं, रहने वाले तो बिजनौर हैं, तो एक बार उनका परिचय ले लीजिए। जी बोल। जय भीम। राजेंद्र जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट करके बोलिए। हाँ अब परिचय दीजिए। सर जय भीम। जय संविधान। जय भीम। जय संविधान। सर मैं राजेंद्र सिंह हूँ, मैं केंद्रीय भंडागार निगम में सर्विस करता हूँ, रहने वाला बिजनौर का हूँ और मेरा पोस्टिंग जो है मुंबई में है, और मुंबई में हम लोग एक सामाजिक संस्था भी चलाते हैं। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए। हेलो सर, मुंबई में हम लोग एक सामाजिक संस्था भी चलाते हैं, वीर जाट और समाज के नाम से चैरिटी में, वो रजिस्टर्ड संस्था है, सोशल वर्क के लिए हम लोग काम करते हैं, अपने लोगों को जोड़ते हैं, लगभग 1000 लोगों को हमने जोड़ा है उसमें मुंबई के अंदर। हमारे दो खुद के संस्था के ऑफिस भी हैं अपने, और मैरिज ब्यूरो भी हम चलाते हैं, क्योंकि हम लोग इधर उधर से आके मुंबई में बस गए तो बच्चों को शादी की एक बड़ी समस्या है, तो हम अपने वीर जाट और समाज के माध्यम से मैरिज ब्यूरो भी चलाते हैं। सर, और सर, कोई अपना भाई है सर, आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे, खाली जाता मत लगाइए, और कुछ करें तो बड़ी मेहरबानी होगी प्लीज। सर क्या हुआ, जो माणिकचंद जी वीर आगरा के, उन्होंने इस संस्था को बनाया था आज से 20 साल पहले। सर अब भी चेंज कर सकते हैं नाम, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं। करेंगे सर, अभी चेंज करेंगे, अभी इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन में मुझे निर्विरोध जो है वो अध्यक्ष पद दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सबको साथ में जोड़ के चले, सब साथ लेके चले, क्योंकि अभी एक पर्टिकुलर वर्क के लिए कुछ होना नहीं चाहिए, मुझे ये महसूस होता है। बिल्कुल, सुधार कभी भी किया जा सकता है, सुधार कभी भी किया जा सकता है। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। राजेंद्र जी, मुंबई से रमेश कटके जी हैं जी, साथ जुड़े हुए हैं। रमेश कटके जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? राजेंद्र साहब, आप कहाँ पर रहते हैं मुंबई? सर मैं पनवेल में रहता हूँ सर। जय भीम नमो बुद्धाय। अच्छा, पनवेल में रहते हैं जी। और ये संगठन को कौन सा बोला आपका? वीर जाटव समाज। अच्छा, वीर जाटव समाज का। आप दासरी साहब को पहचानते? किनको? दासरी धम्म मूर्ति। हाँ पहचानता हूँ सर, पहचानता हूँ। हाँ तो उनसे जुड़ी है, मैं बोल देता हूँ उनको, पहचानता हूँ आपने उनका। हाँ हाँ
अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए, जानते होंगे जो धर्मचारी लोग हैं। अच्छा, अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए। हेलो, जो नंबर छोड़ा है कल छोड़ा है सर मैंने, तो धर्मचारी लोग मित है के भी बहुत सारे धर्मचारी। बोधी सिंह को पहचानते हैं आप, बोधी सिंह धर्मचारी? जी जानता हूँ सर, जानता हूँ, पहचानता हूँ। ठीक है, ठीक है, हम लोग मिलेंगे मुंबई में। आज तो मैं इधर अमरावती नागपुर के पास हूँ, मैं आता हूँ 31 तारीख को हमरा मुंबई। जी 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 कटके सर, इनसे बात करना फोन पर और संपर्क में रहना। हाँ यस यस यस, श्योर श्योर। 20 तारीख को मैं वापस पहुंच रहा हूँ सर, अभी मैं थोड़ा अपनी माँ के पास आया हुआ हूँ। मेरी माँ थोड़ा एजेड है, हर 2-3 महीने बाद मैं आता हूँ, तो मुझे इधर ही आके इसके बारे में पता चला, विद द पीपल के बारे में, तो मैं कल से ही जुड़ा हूँ आप लोगों से। हाँ, कल ही बताया था इनको, कल ही पता लगा, कल से ही जुड़ रहे हैं। ये कल ही पता लगा तो मैं कल से ही जुड़ा हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़िए। राजेंद्र जी, मैं भी बॉक्स में डाला है सर, मैंने कल डाला है, आज डाल दीजिए, आज डाल दीजिए, आज डाल दीजिए। ठीक है, डालता हूँ सर, डालता हूँ। जी सर, जी सर, ओके ओके। जय भीम डॉक्टर साहब, बिल जाटव स्मार्ट सर, डॉक्टर साहब मुंबई में इसके आदमियों को जोड़े। हाँ डॉक्टर साहब, कंटिन्यू कीजिए। जी 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 सर, ये स्पर्शिंग जुड़े हुए हैं सर, ये क्या बोल रहे हैं सर, अलीगढ़ में अधिवक्ता चाहिए इनको, क्या बात है सर, बोलिए यशपाल साहब। हाँ जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम, जय भीम। हाँ मैं यशपाल सिंह, एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट अमरोहा। जी जी सर, एक अर्जेंट काम है, तो अगर कोई मान्यवर है तो कृपया संपर्क करें। ठीक है, आपका नंबर आ गया, आपसे संपर्क करवा देते हैं। ओके सर, नेक्स्ट करिए सर। कुछ अच्छे करा दीजिए, आपके कुछ परिचित हों भाई, उनका अगर परिचय हो जाए, कोई नए साथी, आप काफी साथियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं लंबे समय से। जी सर, तो अगर कुछ, हाँ तो क्योंकि नए साथी जो ना, उनका हमारे लिए बहुत बड़ी भूमिका है। सर, अभी किसी की कॉल आई थी रिश्तेदार की, तो वो अलीगढ़ कोर्ट में एक मुकदमा है, वो बेचारे को मतलब एक पढ़ने वाला बच्चा है अपने समाज का। आपका सलूशन हो जाएगा सर, आपका नंबर सेव कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप डोंट वरी, मॉर्निंग बात हो जाएगी। ओके सर। ओम प्रकाश जी, ऐसे ही लोगों की हौसला अफजाई करते रहिए, मदद करते रहिए भाई, बहुत सुंदर। थैंक यू सर, थैंक। आज जैसा कि आप सभी को जानकारी है, विपश्यना से संबंधित ये दिवस होता है, और भगवान बुद्ध का जो धम्म पद है उसमें 174 पद में भगवान की जो वाणी है, जो शब्द है, उसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया है। तो जो लोग विपश्यना करते हैं, तो उन्हें विपश्यना करने के बाद, और जो लोग विपश्यना नहीं करते हैं, तो उनके भगवान बुद्ध के धम्म को समझने में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जो 5 शील हैं या जो अष्टांगिक मार्ग है, ये डिस्कशन का किताबी मार्ग नहीं है, ये विशेष रूप से अपने शरीर पर अनुभूति के द्वारा इसको जाना जाता है। जब हम हिंसा करते हैं तो हमारे चित्त की स्थिति क्या होती है और शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो जैसे ही मन मैला होता है, शरीर में विभिन्न प्रकार की संवेदनाएं पैदा हो जाती है,
इसी प्रकार चोरी करने का मन, व्यभिचार करने का मन, झूठ जैसे ही हम बोलते हैं या नशे पत्ते की जब हम बातें करते हैं या उसमें संलग्न हो जाते हैं, तो ये जो हमारा शरीर है ये इसको बताता है। मन हमारा मालिक है, मन हमारा प्रमुख है। मन को वश में करने का प्रयास भगवान बुद्ध का 35 वर्ष की आयु में बोधि को प्राप्त करना और 80 वर्ष की आयु तक 45 वर्षों तक इसको बांटना। क्या बांटा उन्होंने? उन्होंने मन से संबंधित जो उनकी उपलब्धि थी, पवित्रता से भरो, कल्याण साधो और दूसरे के कल्याण में साधक बन, अपना मार्ग अपने आप निश्चित करो, अपना दीपक अपने। हम कोई भी गलत आचरण, हम अगर कोई गलत आचरण नहीं करेंगे तो हम सुंदर बने रहते हैं, स्वच्छ बने रहते हैं। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में भिन्न भिन्न प्रकार भिन्न सूत्र के माध्यम से समझा। तो हमारे जितने भी भाई बहन यहाँ प्रचार करने से भगवान बुद्ध चर्चा ही होए, धर्म बिचारा क्या करे जो थारे सुखी हो। सारा जीवन बीत गया करते बुद्धि विलास, अरे बुद्धि विलासों से भला क्या मन की बुझती प्यास। सारा जीवन बीत गया पढ़ते धर्म ग्रंथ, बिना की तरह नाम रटंत रटंत। ये माइक डिस्टर्ब कर रहा है, ये नेश्वर दयानेश्वर जी का माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। बल्लाल सिंह जी भी अपना माइक को म्यूट कर गए। बल्लाल सिंह जी आप भी अपना माइक म्यूट कीजिए। ओके ओके, माइक म्यूट कीजिए जी। डॉक्टर साहब आप अपना माइक ओपन कीजिए। नहीं समझ पाते हैं बहुत सारे भाई, लेकिन मेरा आप सभी भाइयों से निवेदन ये है कि उनके प्रति जो रिएक्शन है, जो प्रतिक्रिया है, वो बड़ी संतुलित होनी चाहिए, बड़ी व्यवहारिक होनी चाहिए, करुण चित्त से होना चाहिए। उन्हें ऐसा ना लगे कुछ अप्रिय हो जाता है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ अज्ञानता भी है। तो मेरा नम्र निवेदन ये कि यहाँ जो हमारा जो परिवार है, जिसमें ये 78 मेरे भाई बहन बैठे हैं आज, क्योंकि बुद्ध की जो साधना है, बुद्ध का की जो तपस्या है, जो उन्होंने अपने जीवन में निष्कर्ष निकाला है, उसे विपश्यना कहा गया। विशेष रूप से देखना, क्या देखना, मन मन हमारा प्रति क्षण किस स्थिति में है, इसको प्रति क्षण जानना। ये मन ही हमसे अच्छे कार्य कराता है, ये मन ही हमसे बुरे कार्य कराता है। भगवान बुद्ध का जो धम्म पद है, जिसमें 423 पद है, पहला पद बड़ा महत्वपूर्ण है। पाली में अगर मैं बोलूंगा तो वो कुछ भाइयों को थोड़ा अचपटा लगेगा, इसलिए मैं हिंदी में ज्यादा बोलने की कोशिश करता हूं। लेकिन एक पद को मैं पाली में जरूर सुनाना चाहता हूं। मनो पुब्ब अंगमा धम्मा मनो सेठ या मनोमया मनसाचे पदुठे ने भासती वा करोती वा
कतो नंग दुख मनवे की चक्कम वे बहतो पदन मेले मन से जब भी सोचे या करे कोई काम दुख पीछे लग जाए जो बेलो सब जा जैसे मन हमारा थोड़ा सा मेला होता है हमारा दुखों का संसार शुरू हो जाता है। दूसरा पद इसका अपोजिट है, पाली को छोड़ दीजिए। शुद्ध चित्त से जब भी सोचे या करे कोई काम सुख पीछे लग जाए जो सतत संग में छाए जैसे छाया हमारे साथ साथ चलती है। अरे भाई मन को प्यार से भरो तो सही, मन को करुणा और बेहतरी से भरो तो सही। देखो सुख किस प्रकार से आपके पीछे पीछे चलता है, ये है भगवान बुद्ध का धम्म। ये व्यवहारिक धम्म है, ये कोई त्रिशण पंचशील का पाठ करने से बुद्ध विहार में नमो बुद्धाय कहने से नहीं आता है। ये तो अंतर मन की गहराई में बैठा हुआ हर हमारे भाई बहन के साथ प्रति क्षण बैठा हुआ है कि उसके मन में क्या चल रहा है। जो उसके मन में चल रहा है वहीं पर दो प्रकार का कार्य भगवान बुद्ध की शिक्षा करती है। इस मन को वश में कर लो भाई, ये बंदर के तरीके से भागता है इधर उधर, ये बड़ी छलांगे मारता है। इसको आना पाना सती के द्वारा भगवान बुद्ध ने इसको कंट्रोल करने के लिए का उपाय बताया। आना पाना का अभ्यास करेंगे तो मन निसंदेह वश में होता है। और ये जो मन को पवित्र बनाना है, मन के अंदर कोई भी राग घुसने ना पाए, मन के अंदर जो राग द्वेष बैठा है उसको कैसे निकालना है बाहर, तो बाहर जो जितना भी द्वेष है उसको आने से कैसे रोकना है, ये मन की अभ्यास है, ये चित्त का अभ्यास है। इस मन को कैसे आप पवित्रता से भरें, कैसे इसको पवित्र बनाए रखें, इसके लिए ही तो ये अभ्यास है। उसको विपश्यना कहते हैं। विपश्यना में पूरे शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को प्रतिक्षण देखा जाता है। कभी शरीर में दुखन होती है, कभी कुछ होता है, तो समता का भाव पुष्ट किया जाता है। दर्द भी आएगा, डॉक्टर साहब विषम परिस्थिति। ईश्वर जी का माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। दयानेश्वर जी कोई बात नहीं मेरे भाई है, बहुत ना समझ है, क्या करें। अगर इतने ना समझ नहीं होते तो भैया आ जाती, आपको यहाँ नहीं बैठना पड़ता। डॉक्टर उदयवीर को मेहनत नहीं करनी पड़ती, सुधीर भाई को जगाना नहीं पड़ता। हमारे बहुत सारे नादान भाई हैं, कितना ही समझा लो नहीं मानते हैं, बार बार समझाओ तो भी नहीं मानते हैं, और मानते ही नहीं है बल्कि कभी कभी तो कुछ चेष्टा भी करते, जान पूछ करके स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ना समझी का भयंकर प्रदर्शन करते हैं। हमने अपने जीवन में इस प्रकार के क्षणों को अनेक बार देखा, लेकिन जो भगवान बुद्ध के मानने वाले उन्हें इन सब चीजों की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तो ऐसे समझता हूं कि ये जो भी विषम परिस्थितियां आ रही हैं, ये हमारी परीक्षा लेने के लिए आ रही कि हमारे अंदर समता कितनी हो सकती है, हम कितने संयमी हो सकते हैं। तो रिजल्ट अच्छा निकलता है बाद में, देखा है कि लोग बदलते हैं भाई, लोग बदलते हैं, समय लगेगा मगर लोग बदलेंगे, बड़े पैमाने पे लोग बदल रहे हैं। मैंने अपने 45-46 साल के एक्टिव जीवन, वैसे तो मैं 65 साल का, लेकिन 45-46 साल से बड़ी एक्टिव जिंदगी जीता हूं, मैंने लोगों को बदलते देखा है, मैंने लोगों को थम्ब के मार्ग पर चलते देखा है, बहुत हौसला बढ़ता है। लेकिन हमें निरंतर प्रयास जारी रखने की जरूरत है। तो विपश्यना का जो
आज का जो समय है, मैं डॉक्टर लाल सिंह जी कुछ आना पाना सती का सर अभ्यास कराने के का सर उनका विषय है। डॉक्टर लाल सिंह जी, अगर आना पाना का पिक्चर बनाया है, ये लड़की ऐसी है, इसका नाक नहीं है, आंखें छुपी हुई है। सर आना पाना सती का अभ्यास करेंगे लोग, करवाइए 5 मिनट तो कम से कम। नहीं, आपने बहुत ही अच्छी तरह से धर्म को समझाया है, साधारण भाषा में अपने अनुभव के आधार पर बताया है, तो हम आपका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। और विपश्यना में जो 5 शील से ही आरंभ होती है, तो शील के बारे में आपने बता दिया है, उसके बाद फिर आनापान वहाँ शुरू होता है, तो हम सभी आज मिल के आनापान करेंगे। मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा, आप अपनी जगह आप बैठकर आंख बंद करके जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वैसा आप अभ्यास करते जाएंगे। इसमें बोलना किसी ने भी नहीं है, सिर्फ सुनते जाएंगे और आप अपना अभ्यास करेंगे। तो आप जहां भी बैठे हैं, आप पहले सीधी कमर करके बैठे, अपनी कुर्सी पे हैं या जहां भी है कोई चारपाई में है तो आप सीधा बैठे, सीधी कमर हो, आपकी गर्दन सीधी हो, आपकी आंखें बंद हो, आप सीधी कमर करके बैठेंगे। आलती पालती जो नीचे बैठे हो आलती पालती मार के भी बैठे, लेकिन जिस अवस्था में भी हो सुखपूर्व बैठे। आप आंखें बंद कर लें, मुंह भी बंद रखें। अब सांस सांस की तरफ देखें, सांस नाक में से आ रहा है और जा रहा है, आते हुए सांस को आप आता हुआ जाने, जाते हुए सांस को जाता हुआ जाने। जहां भी आपके नाक के अंदर सांस छूता है उस जगह को अनुभव करें, चाहे नाक के छल्ले पर छू रहा है सांस, के दाएं नाक में से छू रहा है, के बाएं नाक में से जा रहा है, उसको वहीं पर महसूस करें। दाएं नाक में से जा रहा है तो दाएं नाक में से जाता हुआ जाने, बाएं नाक में से जा रहा है तो उसको बाएं नाक में से जाता हुआ जाने, लेकिन सांस की पूरी जानकारी बनी रहे। आ रहा है तो आता हुआ जाने, जा रहा है तो जाता हुआ जाने, सांस को जानते रहे, निरंतर सांस की जानकारी बनी रहे, पूरा ध्यान सांस पर टिका रहे। सांस आ रहा है, जा रहा है, ध्यान हमारा सांस पर टिका रहे, भागने ना पाए। अगर ध्यान भागता है कहीं तो ध्यान को फिर सांस पर ले आए, जैसे ही ध्यान भागेगा उसको फिर सांस पर टिकाएं। केवल सांस को जानना है, कोई प्रतिक्रिया न हो जाए, सांस को ना अच्छा माने ना बुरा माने, केवल जाने। जहां भी छू रहा है आता हुआ सांस को आता हुआ जाने, जाते हुए सांस को जाता हुआ जाने, मन पूरा सांस के साथ बंधा रहे, सांस के साथ लगा रहे, मन भटकने ना पाए। मन भटक जाए तो मुझे पता रहे कि मेरा मन भटक गया है, उसको फिर पकड़ के लाए, सांस को नाक के जहां भी छू रहा है मन को फिर पकड़ के लाए, फिर भागेगा। इस प्रकार मन की जो भागने की आदत है वो धीरे धीरे छूटती जाएगी और मन एक जगह सांस के साथ बंध जाएगा, एक जगह टिकना सीख जाएगा, मन शांत रहना सीख जाएगा। वहां भी ये ध्यान रहे, जैसे ही मन भटे और नाक के दरवाजों पर मन टिका रहे, वहीं से सांस अंदर जा रहा है तो जाने अंदर जा रहा है, अगर बाहर जा रहा है तो उसको जाने बाहर जा रहा है। आपको ठंडा लग रहा है तो उसको ठंडा महसूस करें, किसी को सांस गर्म लग रहा है
तो वो सांस को गर्म महसूस करें, लेकिन सजग रहें, पूरी जानकारी सांस की बनी रहे, जरा सा भी सांस कहीं छुए वो जानकारी बनी रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण है मन को जानने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, भटके हुए मन को टिकाने के लिए। आप रोज अभ्यास करेंगे, सजग रहे, सचेत रहे, और बिना जानकारी के एक भी सांस आपका ना आने पाए ना जान पाए। जैसे एक मकान के दरवाजे पर एक चौकीदार बैठता है, हर आदमी को अंदर जाते और बाहर जाते देखता है, इस प्रकार अपने मन को आप नाक के छल्लों पर टिकाए रखें और यहाँ से आते हुए प्रत्येक सांस को आता हुआ जाने, प्रत्येक सांस को जाता हुआ जाने, आपका मन टिका रहे, आपका मन शांत रहे, आपका मन शांत रहे। आता हुआ सांस अब आ रहा है तो आता हुआ जाने, जा रहा है तो जाता हुआ जाने, सांस ही सांस, आते जाते सांस, मन का ध्यान, ध्यान देखते देखते हो जा ए कल्याण। आप सबका मंगल हो, भला हो, मंगल हो, भला हो। इस प्रकार आप रोज सुबह उठ के 10 मिनट ध्यान किया करें, आपका दिन बहुत सुखी रहेगा, बहुत साधारण रहेगा, आपका मन शांत रहेगा। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। अब आप सभी अपने खोल के आराम से बैठ जाएं। साधु साधु एक डॉक्टर होने के नाते, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस करता हूं और वो भी मैं फेफड़ों का स्पेशलिस्ट हूं, तो सांस का हमारे जीवन में कितना महत्व है, हर भाई बहन के लिए इसको जानना बहुत जरूरी है। ये जो सांस की जो बीमारियां होती हैं, बहुत सारी बीमारियां जो एलर्जिक बीमारियां होती हैं, ये व्याकुलता के कारण होती है। हमारा मन थोड़ा सा व्याकुल है तो सांस फूलने लगता है, थोड़ी सी एलर्जी हो जाए तो सांस फूलने लगता है, खांसी आने लगती है। आप किचन में थोड़ा सा भी कोई, जैसे ये लाल मिर्च वगैरह जब छौंकी जाती है, बनाया जाता है कुछ इस तरीके का, तो तुरंत रिएक्शन होता है और हमारी सांस फूल जाती है, रिएक्शन होता है। तो आना पाना सती के द्वारा आपको अगर थोड़ी सी भी एलर्जी होती है तो आपके चित्त को तुरंत पता चल जाएगा कि वातावरण बदल रहा है, इससे सजग होने की जरूरत है। जितने भी ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट, जितने भी एलर्जिक पेशेंट हैं, मेरा अपना तजुर्बा यह है कि यदि विपश्यना का 10 दिन का शिविर कर लें तो इतना रिलीफ मिलता है, इतना रिलीफ मिलता है, क्योंकि जो मन की जो व्याकुलता है वो आपकी सांस की व्याकुलता को बढ़ाती है। मन यदि शांत हो जाए तो इसका असर न केवल आपके सांस की बीमारियों पर पड़ता है बल्कि ब्लड प्रेशर क्या है, आपको गुस्सा आया तो सांस की गति आपने देखी है कभी गुस्से में? सांस की गति हर भाई की कितनी तेज हो जाती है करके देखो ना गुस्सा। इस संसार का हर भाई, अपने को हिंदू कहे, मुसलमान कहे, सिख कहे, ईसाई कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर गुस्सा करेगा तो उसकी सांस की गति बढ़ेगी ही, उसकी हार्ट बीट बढ़ेगी ही, उसके शरीर पर विभिन्न प्रकार का असर आएगा ही।
देखो आपने नादानी में गुस्सा करके कितना बड़ा अन्याय कर लिया अपने साथ, इसका परिणाम इतना खतरनाक होता है, इस जरा से गुस्से का परिणाम इतना घातक होता है कि मैं तो भैया डॉक्टर हूं, पोस्टमार्टम तक की नौबत आई सिर्फ गुस्सा करने से। ये जो विपश्यना है, ये जो आनापाना सती है, ये आपको तुरंत सचेत करती है कि गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा आएगा भी तो तुरंत रुक जाएगा। अब हमारे जैसे लोग, गुस्सा करने का अर्थ ये नहीं है कि हमको कोई गाजर मूली के तरीके से काट दे, हम किसी से कुछ नहीं कहें। विपश्यना बनना नहीं सिखाता बुद्ध, आपको कायर बनना नहीं सिखाता। विपश्यना आपके मन को शक्तिशाली बनाता है। बुद्धि को इतना उच्चतम स्तर पर स्थापित करता है कि जिसके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। जैसे ही हमारे मन की शक्ति, मन की कंसंट्रेशन पावर क्या बढ़ती है, मन की हमारे बहुत सारे जो महाराष्ट्र के अंदर तो हमारे जितने भी सीनियर क्लास वन ऑफिसर्स हैं सबको 10 दिन की विपश्यना के लिए स्पेशल लीव दी जाती है। राजस्थान सरकार दे रही है, अभी आदरणीय केजरीवाल जी अभी विपश्यना का शिविर 10 दिन का जयपुर में करके आए। और हमारे भाई जो बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं, जो बुद्ध का अनुयायी कहते हैं, उन्हें 10 दिन का शिविर करने में बहुत बहानेबाजी है, बड़ी आनाकानी करते हैं। कर लो भैया, क्योंकि हमने आपसे कहा कि हम तो करुण चित्त वाले लोग हैं, भैया मान लो हमारी बात, बड़ा धन्यवाद, नहीं मानोगे तो भी हम आपसे आपके अहित में कभी नहीं जाएंगे, अप्रिय शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। तो ये जो विपश्यना है मेरे भाई, ये आपके मन को ही रोगों से मुक्त, आपके शरीर को भी रोगों से मुक्त करने में बड़ी कामयाब। और जो आपका जो डिसीजन लेने, क्विक डिसीजन लेना, राइट डिसीजन लेना, इसमें आपकी विपश्यना बहुत मदद करती है। इस देश का कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसा होगा जो विपश्यना का शिविर ना कर चुका? इस देश का अधिकारी ऐसा होगा जिसने विपश्यना का शिविर ना किया? किरण बेदी जी ने तो हमारे साथ एक दिन का शिविर किया। हमारे भाई लोग पता नहीं किस दुनिया की बातें करने लगते हैं, कोई कुछ बोलने लगता है, कोई कुछ बोलने लगता है, हमें तो उन पे बड़ी करुणा आती है, बड़ी मैत्री आती है। विपश्यना का ना से पता नहीं क्या कहने लगे। खैर, हम उनसे कभी बहस नहीं करेंगे, हम उनकी भावनाओं का हमेशा सम्मान करेंगे। जब समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। इस धरती पर कोई भी किसी का भाग्य विधा, आप विपश्यना का शिविर करो ना करो, आप 5 शिरों का पालन तो करते हैं ना, आप अष्टांगिक मार्ग को तो जानते हैं ना। का नाम सुनने से लोगों को पता नहीं क्या एलर्जी होती है। जो 5 शीलों का पालन कड़ाई से करता है वो विपश्यना ही करता है। जो अष्टांगिक मार्ग को समझता है उसमें जो शील समाधि और जो अष्टांगिक मार्ग है, जो उसको सम्मा आजीवो, सम्मा संकल्पो, सम्मा दिट्ठि, जो इन बातों को जानता है, उस पर गंभीर चिंतन करता है, उसको धारण करता है, अरे भाई वो विपश्यना ही करता। 10 दिन का शिविर वो सर, आपकी आवाज कट रही है और 3 एंड्रेज प्लीजन को करवा दो। सर सर मैं परिचय के लिए बुला रहा हूँ, पुष्पा जाटव जी आइए, बहन जी ओम प्रकाश जी, पहले पुष्पा जाटव जी आ जाए बहन जी, मैं तो देखा ही नहीं भाई साहब, सॉरी।
पुष्पा जाटा बहन जी आइए, अपना परिचय दीजिए। सर जय भीम नमो बुधाय सभी के लिए। अच्छा जय भीम बहन जी लग रही है। जी 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 सर जय भीम नमो बुधाय। वेलकम वेलकम बहन जी। बताए सभी के लिए, सभी पूरे ग्रुप के लिए, पूरे संघ के लिए जय भीम। हाँ सब बहुत बहुत अच्छे तरीके से सर आप समझा रहे हैं विपसना के बारे में। धन्यवाद बहन जी धन्यवाद। जी सर बिल्कुल, ये सर बिल्कुल अनुभव की बात है। अगर कोई कहे कि हम किसी पे गुस्सा हो गए, देखो करके देख लो, जिसने विपसना की है करके देख लो, तुरंत पता लग जाता कि आप गलत हैं। एकदम हमारा मन हमारा जो मालिक है एकदम रोक देता है। मैं खुद अनुभव कर चुकी हूँ, तीन बार मैं भी विपसना कर चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आता है कभी, जब हम कहीं किसी पे गुस्सा करते हैं कुछ, एकदम हमारे शरीर पे पता लग जाता है कि हमने ये गलत किया, फिर हमारा मन हमें कंट्रोल कर लेता है। ये बहुत अच्छी विद्या तथागत गौतम बुद्ध ने हमारे भारत के लोगों के कल्याण के लिए दी, पर हम भूले हुए थे। आज फिर जो सज्जन पुरुष है, जो लोग जो लेके आए और आज जो कर रहे हैं, और आप सब लोग इसका प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा। सब लोग करें और जब करके देख लेंगे तब अनुभव होगा कि ये क्या चीज है। जैसे हम सर खाने का स्वाद बिना खाए नहीं पता चलता, ऐसे ही विपसना का भी हम बिना अनुभव किए, बिना 10 डेज का शिविर किए, ये बहुत मस्ट है, बहुत जरूरी है हर एक के लिए। अगर सुबह 1 घंटे जो विपसना कर चुके हैं वो 1 घंटे का कल 1-1.5 घंटे सुबह बैठ लेते हैं, फिर पूरा दिन आपको पूरी दिन एनर्जी मिलती है सर, पूरा दिन एनर्जी मिलती रहती है, और ऐसा लगता है कि हमने मतलब पता ना कहाँ से एनर्जी हमें आती रहती है। और सर मैं सर टीचर भी हूँ, सर मैं टीचर भी हूँ, तो मैं अपने स्कूल में भी क्लास में भी 10 मिनट का हर क्लास में मेरी हर टीचर कराती है आनापान का अभ्यास, में हर बच्चे को कराती हूँ 10 मिनट का। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत जी सर। लाल सिंह सर आपने बहुत अच्छा, आप लोग इतना अच्छा, ऐसा लग रहा था कि मुझे हम 5 मिनट के लिए ध्यान केंद्र में बैठे हुए हैं। अच्छा। आपने जो आपने कराया आप बंद करके ऐसी सुन रहे थे जी, लाल सिंह सर की आवाज बड़ी मध्यम मध्यम धीरे धीरे आ रही है, और हम ध्यान केंद्र में ध्यान से आप बंद करके बैठे हुए हैं, इतना अच्छा लग रहा था सर। बहुत अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए, आप इसके लिए समय रख रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जो हमारे लोग इस चीज को। देखिए सर मैं एक अनुभव बताऊं, जब मैं गई थी बोधगया गई थी पहली बार विपसना करने, तो सर हमारे यूपी से मैं अकेली थी, और महाराष्ट्र 2 महिलाएं थी केवल SC की, मतलब, और सारे के सारे वहां लगभग 150 लोग थे, 150 में हम 3 महिलाएं SC की थी। मतलब हमारे लोगों में बिल्कुल जागरूकता नहीं, जेंट्स भी, मेरी चूंकि आदत है लोगों से परिचय लेने की, तो मैंने बहुत से जानना चाहा, SC के लोग केवल 1 बिहार का था बस। तो अभी तक लोग दूर भाग रहे हैं सर, यूबी सर सही कह रहे हैं, यूबी सिंह सर जी, कि लोग भाग रहे हैं, नाम सुनते ही भागते हैं, लेकिन ऐसी ये तो कहते हैं ना संजीवनी, हमारे पास है संजीवनी, उनके पास तो है ही नहीं, उनके पास नहीं है, हमारे महापुरुष ने खोजी है संजीवनी, और हम लोग भूले हुए हैं। सर आपने मुझे मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम नमो बुधाय। थैंक यू बहन जी। जय भीम नमो बुधाय। भैया ओम प्रकाश जी आप आए, थोड़ा बताए भैया ओम प्रकाश जी। जय भीम सर नमो बुधाय। मनवर हम से उनका परिचय कराएं प्लीज, गौतम पाटले साहब। हाँ कराइए जी। गौतम पाटले साहब आवाज आ रही है आपको? प्रेम चौहान जी आए हुए हैं, उनका भी जरा इंट्रोडक्शन करवा दें भाई। प्रेम चौहान जी अपना माइक म्यूट करें।
प्रेम चौहान जी का जरा इंट्रोडक्शन करवा दें। प्रेम चौहान साहब की करा लो सर, गौतम पाटले साहब सुन नहीं पा रहे लगता है। सर राजकुमार जी हैं, एक संभल से मास्टर साहब हैं, उनका जरा पर्चे। गौतम पाटिल अभी जुड़े हैं, दो हैंड रेज है। हेलो सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। हेलो राजकुमार जी बोलिए, जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ जी बोले। जी सर मैं संभल से बोल रहा हूँ, मैं इस समय नया सहायक अध्यापक बना हूँ अभी फिलहाल में, मुझे आज ही पहला मौका मिला है जुड़ने का। तो मेरे मामा जी हैं भगवत किशोर जी चंदोसी संभल से, उन्होंने मुझे बताया आज और मुझे इसमें ज्वाइन कराया है। बहुत बहुत साधुवाद, जुड़े रहिए, आपका परिवार है विद्या पीपल। जी सर। नहीं नहीं, ये मैथ के, ओम प्रकाश जी आप मैथ के टीचर हो? जी सर मैं साइंस विज्ञान का हूं। राजकुमार संभल, नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स पर, नंबर डाल देना राजकुमार जी चैट बॉक्स पर। जी मैडम, पुष्पा बहुत बोल रही हूँ जी। ये तो पहले से भी, पहले भी आए थे आप जी। नमो बुद्धाय, जय भीम, राजकुमार जी कैसे, बढ़िया है? हाँ बढ़िया है, आपके ब्लॉग से हूँ मैं भी मैडम। अरे मैं जब आपने नाम ले दिया हमारे, मैं भगवत किशोर का नाम ले दिया, हमारे रिश्तेदार हैं आप। जी मैडम, आपसे मिला भी हूँ एक दो बार वैसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ओके, बहुत बहुत सुंदर। यूवी सिंह जी। जी सर। रामनिवास 80 हैं विपश्यना के, देखिए आए हुए हैं तो उनको इनवाइट करें, आए हुए। जी जी राम डॉक्टर, मैं देख लिए सर आए हैं या नहीं आए हैं। रामनिवास जी गुरु जी आए हैं सर। डॉक्टर लाल सिंह जी। जी डॉक्टर लाल सिंह जी, प्रेम चौहान जी आ गए। हां इधर बोलिए सर, बोलिए बोलिए। प्रेम चौहान जी से भी, और रामनिवास जी टीचर हैं, आ जाए तो उनका लेक्चर रखवाना है। प्रेम चौहान जी बोल रहे हैं डॉक्टर, बोलो जी। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सभी साथियों, ये डॉक्टर लाल सिंह और हम पिछले 20 साल से विपश्यना में एक्टिव ट्रस्टी रहे हैं, और लाल सिंह जी का, डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं तो दिल्ली के जो सेंटर है उसमें मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। अभी जो बहन बता रही थी कि भाई हमारा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज का जो है कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2% है, 98% जो बुद्धा की टीचिंग, बुद्धा का बिल्कुल अपोजिट है वो विपश्यना करते हैं। मजे की बात ये है, लेकिन हमारे लोग पता नहीं क्या बात है। देखिए मैंने तो 45 दिन तक का कोर्स किया हुआ है, और मैं तो 20 साल से अपना अनुभव बताने चाह रहा हूँ कि मैं खुद ही उदाहरण का, 30-32 साल बैंक की सर्विस, इतना टेंशन वाली लाइफ में जब से विपश्यना किया, देखिए आई एम 73, और कोई मन से तन से धन से सब कोई समस्या नहीं है, और सेवा में मैं पूरा हूं। आप सभी को मैं निमंत्रण देता हूं कि यदि कोई 10 दिन का कोर्स नहीं भी करना चाहे तो हमारे यहाँ दिल्ली में भाटी में जहाँ छतरपुर के पास एक दिन का शिविर होता है, उसमें आए देखें जाने, उसके लिए मैं विशेष परमिशन दे दूंगा। ठीक है सर। एक दिन का सर कब आ सकते हैं? मैं पुष्पा बहुत बोल रही हूँ। जो विपश्यना किए हुए हैं उनके लिए तो है ही है, एक दिन का कभी भी आ सकते हैं। अगर वो मेरा नंबर डॉक्टर साहब से ले लीजिए, यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा फार्म है, यहाँ पे विपश्यना का जो विपश्यना नॉर्थ में पूरी शुरू हुई वो लॉजिक स्टेट फार्म से ही हुई, बाद में ये सेंटर्स वगैरह हमने बनाए काफी। तो डॉक्टर साहब से नंबर चला ले लीजिए मेरा, और यहाँ दिल्ली में दो सेंटर्स हैं जहाँ एक दिन का कोर्स होता है। चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए सर। ठीक है, और उसमें आपको क्या है, आनापान है, विपश्यना है, मैत्री है, डिस्कोर्स है, मतलब पूरा नंबर डाल दीजिए। हाँ जी, तो वो सर नंबर डाल दीजिए। हाँ एक्चुअली क्या है, एक दिन का शिविर सिर्फ वही कर सकता है जिन्होंने कोर्स किया हुआ है। तो मेरा मैं नंबर डाल दूंगा आपको, नंबर शेयर कर दूंगा सर। आपने नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि रिवर्स हो, एससी एसटी ओबीसी ये 98% ये करें,
क्योंकि हम लोग तो देखिए क्या है, बुद्धा को जो मानने वाले हैं वो तो उनके लिए तो ये विपसना बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल हम पूरा उसकी धारण करते ही हैं। लेकिन मजे की बात ये देखिए कि जो जनरल कास्ट है वो सिर्फ विपसना करती है, बाकी कर्मकांड और देवी देवता ये वो सारा का सारा वो करते हैं, उनके लिए ये है। अदरवाइज आपको मालूम ही है कि भाई विपसना और ये जो हिंदू मैथोलॉजी में चीजें हैं ये बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध ये है कि इसमें थोड़ा सा ज्यादा पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि अभी विपसना भी थोड़ा कास्टिज्म और इस तरफ जो मैनेजमेंट है इस तरफ भी जा रहा है अभी, ये जो हम महसूस कर रहे हैं। तो आपसे मेरा तो ये सहयोग है, मेरा तो ये हमेशा सहयोग रहेगा, क्योंकि मैं तो एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ, 20 साल से सेवा में हूँ। आप सभी आमंत्रित हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका अनुभव कैसा रहा, 20 साल सेवा दी आपने केंद्रों पे, आप अपना अनुभव? 20 साल तो सेवा दिए है और अनुभव ये है कि आप तन से मन से धन से, सबसे बड़ी बात ये मन शांत। जब मैं 45 दिन का कोर्स कर रहा था तो डॉक्टर साहब ऐसा लगा कि सामने बिल्कुल हीरे जवाहरात पावर रख दी, लेकिन जो मन शांत था वैसा उसके सामने सब बेकार। और दूसरा फिर क्या है, लॉन्ग कोर्सेज में तो आदमी बाहर और अंदर, जैसे हमारा पार्टिकल्स हैं शरीर के अणु अणु हैं, वो बाहर और अंदर एक जैसा हो जाता है। फिर दूसरा हम पेड़ हम किस वृक्ष के साथ में चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा महसूस हो जाता है कि भाई ये है। बड़े लंबे लंबे कोर्स में बहुत अनुभव होते हैं। जहां तक ये सेवा का है, सेवा में तो ये धम्मा दान है, क्योंकि सबसे बड़ा दान गुरुजी ने गोयनका जी ने यही बताया कि भाई धर्म का दान सबसे बड़ा दान है, पैसे से भी इससे भी उससे भी। तो डॉक्टर लाल सिंह भी हैं, एक्टिवली जुड़े हुए हैं और मैं तो हूं ही हूं अभी भी। आज भी हम अगर हैं पूरा तो ट्रस्ट चलाना ये करना वो करना। तो अब आप ये देखिए, अभी बहन जी बता रही थी कि एससी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्थ इंडिया में स्पेशली उसमें हार्डली 2% हमारे लोग हैं, 90% लोग जनरल के हैं, लेकिन वो जनरल मेंटली थ्योरेटिकली नहीं है साथ, बस सिर्फ उसको फोकस करना है, कंसंट्रेशन करनी है, इसलिए विपसना करने आते हैं वो लोग। बाकी बुद्ध के टीचिंग को धारण नहीं करते, क्योंकि ऊंच नीच उनके दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि वो हट ही नहीं सकता। इसलिए जो सेवा में करना चाहें तो सेवा से तो और भी उसको विपसना का मिलता है। वैसे डॉक्टर साहब ने तो बहुत कुछ डिटेल में समझाया है बताया, और ये पता दिल्ली में अगर मिले कभी तो और भी मैं खुशी होगी मुझे कभी। डॉक्टर साहब आप बुलंदशहर में हैं क्या प्रैक्टिस? जी जी सर, जी सर मैं बुलंदशहर में हूँ सर। अच्छा, मैं आज भी दिल्ली आए और संडे को आए। संडे हमारा यहाँ एक लॉजिक स्टेट ये है यहाँ छतरपुर में एक दिन का। मैंने सर पहला शिविर मैंने यहीं से किया था सर, 10 दिन का 99 में। ओ अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा, फिर तो आप बहुत पुराने साधक है। 2007 में एक्चुअली क्या है, हमें यहाँ पे ना 10 दिन का कोर्स बंद करना पड़ा। उसका कारण ये था कि सोहना में कोई नहीं जाता था, इसलिए हमने यहाँ से बंद किया। जब जाके वो हमारे वो सेंटर्स सोनीपत वाले धम्मा पठाना धम्मा सोता ये सारे हुए, तो गौतम जी डॉक्टर लाल सिंह और हम 15-20 साल से जुड़े हुए हैं विपसना के साथ। और देखिए 20 साल की सेवा में मैं आपको ये गर्व से कहता हूँ के लीडरशिप हमने जनरल में की है। आप लगाइए हम 1-2% होते हुए भी ट्रस्टी सेक्रेटरी मैनेजिंग मैनेजमेंट सारा कुछ हमने किया है। जी, तो जी सर हम थ्योरी भी और प्रैक्टिस भी हम रहे हुए हैं पूरा अपना इसमें, क्योंकि साधना जो है वो प्रेजेंट में रहने के लिए है। अभी हम लोग क्या है, कोई या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। जितना जितना इसमें डीप विपसना करते जाएंगे आप प्रेजेंट में रहना सीख जाएंगे, बस खत्म। ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव कर रहे हैं, खा रहे हैं तो सिर्फ खा रहे हैं, यही भगवान गौतम बुद्ध ने यही शिक्षा दी है।
कि भाई जो काम करो उसमें 100% करो। बाकी जो सेवा का है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे बैंक के साथी 98% ऊपर चले गए। अब आप ये देखिए कि मैं आई एम 73 और आपके सामने हट्टा कट्टा हूँ। बहुत सुंदर भाई साहब। और कोई किसी को कुछ जानकारी लेनी है विपसना के बारे में, हमारे तीनों चारों सेंटर के बारे में, तो वो ले सकते हैं। और जो भी जानकारी चाहें, मैं 24 घंटे बिल्कुल उनके लिए और अपने समाज के लोगों के लिए तो मैं बिल्कुल ये हूँ, हर तरह से सहयोग करूंगा। ठीक है सर। अब मेरा एक दो जरा है ड्यूरिंग इसमें कि अगर हम महीने में एक दिन जो कन्वर्ट होना चाहते हैं, जो बुद्धिज्म को अपनाना चाहते हैं बुद्धिज्म में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे पे बहुत क्वेरी है, बहुत लोग चाह रहे हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा डिस्कशन करके बताएं जरूर। जी ठीक है सर। और संविधान से पहले, और दूसरा मेरा ये है संविधान से पहले और संविधान के बाद में, देखिए आज ही देवी देवताओं का जो पूजा कर रहे हैं, संविधान में पहले तो महिलाओं को कोई अधिकार ही नहीं था। अब वो कौन सी कितने कितने रोज रोज माता कांका की आ रही हैं, सारी कर रही हैं, हम तो बड़ा समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे कितने भी हो लेकिन घर में, जब तक कि घर में रिवोल्यूशन नहीं होगा, घर में क्रांति नहीं होगी, घर में बुद्ध का पूरा धारण नहीं होगा, बहुत मुश्किल है ये चलाना। ठीक है सर। जी जी, जी। जरा फोन करके पता कर लिए, रामनिवास जी 80 है ना? हाँ, उनको आना था, जरा फोन कर, उनको इनवाइट करके जरा जूम पे आए, उनका लेक्चर था आज। अच्छा ठीक है, बात करता हूँ अगर आ जाए। अभी तक जुड़े नहीं है डॉक्टर साहब, अभी वो रामनिवास जी, मैं देख लूंगा। प्रेम जी अभी बात करेंगे उनसे, याद दिलाएं। ठीक है ठीक है। डॉक्टर रवि सिंह जी अपने अजय जलवान जी जुड़े हैं, उनको बुला लीजिए। हाँ जी जलवान जी, तो प्रेम जी सर नंबर शेयर कर दीजिए। हेलो। हाँ सर, नंबर शेयर कर दीजिए सर। हेलो, ये दो साथी जो अरुण कुमार जी हैं जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ, और एक मुकुंद भाई भैया, पहले जो जिन्होंने हैंड रेस किया कृपया करके वो आ जाएं। अरुण भैया, अरुण कुमार जी, हाँ गौतम पाटिल जी आपको भी बुलाएंगे भैया, पहले अरुण जी आ जाएं जरा। सभी को नमस्कार। हाँ, और थोड़ा समय का ध्यान रखना भाई। जी जी बिल्कुल, ध्यान रखेंगे। आज जो धम्म विपसना के बारे में चर्चा हो रही है, मैं 2 शिविर कर चुका हूं धम्मकर्णिका का करनाल से, और मेरा जो अनुभव है ये कह सकता हूं मैं कि बुद्ध का जो धम्म है, बुद्ध के धम्म को यदि समझना है तो बिना विपसना में जाए हम धम्म को समझ नहीं सकते। बिना विपसना के मतलब हम धम्म के आसपास चक्कर तो लगा रहे हैं, बाहर चक्कर लगा रहे आउटसाइड, बट वी आर नॉट एंटरिंग द सेंटर पॉइंट ऑफ धम्मा। गुड, वेरी गुड। डिस्कस कितना भी कर लें बट अंटिल हम उसमें एंटर नहीं करेंगे विपस्तना में। और आई होप आप लोगों ने स्टडी किया होगा, बुद्ध की जो स्पेसिफिक इन्वेंशन है वो विपस्तना है। जो धम्म की बातें हैं वो भारत में पहले भी थी और धम्मों में भी हैं, वही बातें जैन धर्म में पहले भी कही जा रही थी। बुद्ध की अपनी स्पेसिफिक इन्वेंशन है वो विपसना है, तो हमें इस पे जितना ज्यादा हम फोकस करेंगे, जितना ज्यादा स्प्रेड करेंगे, हमारी सारी समस्याओं का समाधान वहां से निकल सकता है। हम जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मंचे लगा रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, उसका वेरी साइलेंट सॉल्यूशन है। अगर हम घर में धम्म को प्रवेश कराना चाहते हैं, महिलाओं को धम्म लाना चाहते हैं, तो दैट द सिंपल वे, इंट्रोड्यूस थ्रू विपस्सना, और महिलाएं ऑटोमेटिकली उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगी, अडॉप्ट कर लेंगी।
क्योंकि बिना धमके हमारे जो मेल्स है ना मेल्स उनके एटीट्यूड बिहेवियर अच्छे नहीं है टुवर्ड्स हर लेडीज और हर फैमिलीज। हम ब्लेम करते हैं वुमेन्स को बट वुमेन्स का इशू नहीं है, देयर इज इशू ऑफ मेल पर्संस कि उनका एटीट्यूड बिहेवियर अच्छा नहीं है अपनी फीमेल पार्टनर्स के प्रति और अपनी फैमिलीज के प्रति। और जो बुद्ध की विपस्सना है वो इस चीज को बेटर इंप्रूव करती है। इतना बढ़िया कोर्स कोई नहीं मिलेगा जो विपस्सना है। तो इट्स माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो मुझे समझ में आया, सो आई एम शेयरिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस। अरुण जी आपने अपना इंट्रोडक्शन ही दिया। मायसेल्फ अरुण बोध फ्रॉम पानीपत हरियाणा, वर्किंग इंडियन कॉर्पोरेशन पानीपत रिफाइनरी पानीपत। और क्या करते हो? जॉब करता हूँ गवर्नमेंट जॉब में IOCL में। IOC में है पानीपत में। विपस्सना का प्रचार करता हूँ। प्रोग्राम करें अपने कभी पानीपत में? किस चीज के? सोशल प्रोग्राम करें कोई? हाँ बहुत सारे करते हैं। तो पानीपत में तो काफी है, अभी हमने संसद भी पानीपत में लगाई थी एक। जी जी। तो विदा पीपल में कब से आ रहे हो आप? करीब 2 महीने हो गए होंगे। कैसा लग रहा है आपको? लुकिंग गुड। ओके राइट। आज आगे चलो डॉक्टर। रवि जी आज मेरी बात हुई थी इनसे 1 घंटा। अच्छा अच्छा। अरुण कुमार जी। जी सर। अरे यार बोल रहा हूँ मैं। जी सर थैंक यू। जी सर बात हुई थी सर आज। अरुण जी अपना नंबर डाल दे थोड़ा प्लीज चैट बॉक्स में। ओके सर डाल रहा हूँ मैं। थैंक यू सर। नो बताए। थैंक यू। हाँ जी आगे डॉक्टर साहब। आ गए डॉक्टर साहब। ये मुकंद बंसोड़ है। मुकंद बंसोड़ जी डॉक्टर अजय जलवान को एक बार बुला लो, कई दिनों से आए करण जी। अच्छा अच्छा उनका नाम ले दिया पर मुकंद जी को बोल रहे थे, फिर उसके बाद देखते मुकंद जी। मुकंद जी बोलो जी। नमो बुद्धाय सर जय भीम। नमो बुद्धाय सर जय भीम। ये तो आप गलत तरीके से बैठे हैं मुकंद जी। बैटरी की अवस्था थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी। कोई बात नहीं कोई बात बोलो बोलो। हाँ तो बहुत अच्छा आज हम पर विचार प्रकट हुए, सभी लोगों ने बहुत विस्तृत जानकारी दी, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। विपसना की बहुत अच्छी चर्चा हुई। समाज में जिस चीज की कमी है उसकी भरपाई करना होगा, समाज को जागृत करना होगा विपसना के लिए। धर्म में विपसना का बहुत ही बड़ा रोल है। मैं आपको एक छोटी सी चीज सुना रहा हूं सर। सील समाधि करुणा मैत्री है जीवन कल्याण की, करु वंदना तन काया से, पूजा बंद करो भगवान। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। तीर शरण और पंचशील जीवन सुखी संसार के, सदाचार नैतिकता सत्य यही जीवन आधार के, जीवन मुक्ति यही जीवन ने शिलाचार गुणवान की, उत्तम शरणम गच्छामि। दया क्षमा सुख शांति धाम मार्ग निर्वाण का, कभी न होगा दुख जीवन में, ध्यान करो गौतम भगवान का। काया वाचा मन से भक्ति मुक्ति है सिलवान की, बुद्धम शरणम गच्छामि। हिंसा चोरी अनाचार झूठा नशा करो न जीवन में, पंचशील है सदाचार के करो धारण अपने मन में। दीक्षा शिक्षा यही जीवन में निदान पंचशील की, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध चेतना चैतन्य प्रकाश समय प्रभाव से, पूजा आरती चित चिंतन प्रज्ञा सदा सद्भाव से, चेतन ज्योति जगमग जगमग जले रात दिन ज्ञान की, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध का अनुसरण हमारे अंबेडकर अनुवायी बौद्ध अनुवायी, बुद्ध हमको सिर्फ तीर्थ शरण पंचशील में बांध कर रख दिए, मंगल गाथाओं में बांध कर रख दिए। बुद्ध के ज्ञान पर विशेष प्रकाश नहीं डाला जा रहा है, हमारे धर्म पर का
प्रचारक द्वारा और अंबेडकरवादी द्वारा विपासना के बारे में काफी निंदा की जाती है। हमारे घर से भी काफी विपासना में गए, हम तो संत घराने से बिलोंग करते सर, संत लोग रहे हम, और बौद्ध धर्म को हम तह तक गए है, उसमें हमने जानकारियां जो ली है वो आज बौद्ध धर्म में कहीं पर भी समाज के अंदर दिखाई नहीं देती। अभी जितने वक्ताओं ने विपासना की बात की है, अगर हम समाज में विपासना की जब बात करते हैं तो लोग उसको हिंदुत्व की ओर लेके चले जाते हैं और हमको कहने लगते हैं कि आप बौद्धिस्ट हो ही नहीं सकते। ये समाज में बड़ी विडावना फैली हुई है। तो अब आप लोगों के पास समय भी बहुत कम होता है, मेरे पास तो समय होता ही है, और तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि अपन आप जो काम करते हैं और हम जो काम करते हैं इसको अत्यधिक मात्रा में समाज के अंदर प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नव बुद्धा जय भीम सर, आप सभी को धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दी, धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी प्रिया जी बुलवा साहब को बोल दो। डॉक्टर अजय जलवान जी एंड्रेस सर, एंड्रेस देखिए ना, पहले एक मिनट वो चला हो गया उनका नेट एक रह गया, बाद में कर लेंगे वो कई बार जुड़ रहे हैं फिर चला जाता नेट। ठीक है बोलो, पाटिल साहब का जो कह रहे हैं ना, पाटिल साहब शायद छूट गए हैं और बार बार जा रहे आ रहे हैं, वो दिक्कत नेट की प्रॉब्लम है उनकी शायद, मैं देख रहा हूँ। डॉक्टर अजय जलवान जी आगे, डॉक्टर साहब जय भीम, जय भीम बुद्धा सर, आप सभी को जो है काफी दिन से जुड़ नहीं पाया था और बहुत कमी महसूस हो रही थी आप सभी लोगों की, अपने कामों में उलझा हुआ था, पर आज जुड़ के जो है दिल को बड़ी शांति मिल रही है। जो आप सब बात कर रहे हैं इसकी विपासना की बहुत ही अच्छी, अरुण कुमार जी आए थे IOC से, मैं उनकी कंपनी को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उनकी कंपनी जो IOC है उसने मेरे को स्कॉलरशिप दी थी कि मैं मेडिकल एजुकेशन अपनी खत्म कर सकूं, पैसे नहीं थे। और ये जो सर बता रहे हैं UV सिंह जी के जो है मतलब एंजाइटी है या जो अपनी एस्थमा है उसमें जो है विपासना का एक अच्छा रोल है, एक्चुअली बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि हमें हर बीमारी का इलाज हमारे पास है। हम सब लोग, जैसे मैं तो एक मानसिक डॉक्टर हूँ, मानसिक रोग का डॉक्टर हूँ अमेरिका में, तो हर बीमारी का इलाज हमारे पास ही है और हम सब जगह ढूंढते हैं कि इधर ढूंढते हैं उधर ढूंढते हैं, क्योंकि जो है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। तो विपासना एक ऐसी जो देन है जो हमें मिली है जिससे कि हम अपना जो है मन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसी जब मन कंट्रोल हो जाता है तो हमारे शरीर कंट्रोल हो जाता है और जब हमारा शरीर कंट्रोल हो जाता है तो उसकी सारी बीमारियां कंट्रोल हो जाती हैं। क्योंकि मानसिक रूप से जितनी भी बीमारियां हैं और जितने भी इलाज हैं वो मैंने देखा है कि इतना पढ़ने के बाद कि ये जो विपासना है उसी से इनकी बहुत सारी जो है इलाज चलता है। यहाँ पे अमेरिका में इसका नाम विपासना नहीं, इसका नाम दिया जाता है माइंडफुलनेस, जो है आर्ट ऑफ लिविंग है और अलग अनेकों संस्थान है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट हुई थी जिसका नाम है मार्शा लाइनेनहैम, उसने बुद्धिस्ट जो है फिलोसफी को पढ़ के एक टेक्निक इजाद की है जिसको कहते हैं DBT, डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी। तो वो सबसे बड़े मुश्किल से मुश्किल जो है मानसिक बीमारी है उसका इलाज इससे होता है। तो ये बस मैं शेयर करना चाह रहा था। और दूसरी बात यह है कि जैसे मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं स्कूलों में, तो यहाँ का एक शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब मेरे बच्चे अब जाते हैं पहली दूसरी तीसरी और जो पूरी क्लास तक, तो वहां पे स्कूल में जब स्कूल शुरू होता है तो हर पूरे स्कूल में प्रिंसिपल लाउडस्पीकर पर अनाउंस करता है कि भाई सब लोग माइंडफुलनेस की, जैसे हमने अभी प्रैक्टिस की विपासना की, सारे स्कूल
चाहे वो एलिमेंट्री हो, चाहे मिडिल हो, चाहे हाई स्कूल हो, ये समझ गए सारे बच्चे ये विपासना करके ही अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो बस इतनी ही जो है बात कहना चाहूंगा कि विपासना का जो योगदान है यहाँ पे अमेरिका के अंदर वो बहुत ज्यादा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर जी जो है जलवान जी, साधुवाद, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू डॉक्टर साहब। और कुछ बोल रहे थे डॉक्टर साहब? बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए, आवाज बंद हो गई आपकी। जलवान सर अपना नंबर उसका प्लीज। हाँ जी, जरूर जरूर जी, मेरा जो है यही आगे बताते हुए कि आज अशोक विजयदशमी जो है मना रहे हैं, तो आप सबको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सब लोगों को जो है ये, मैं तो जैसे अपने अगर यहाँ नहीं भी आ पाता हूँ तो लगातार जो है प्रयास करता रहता हूँ हर रोज, चाहे सुबह शाम जहाँ पे भी मैं सोशल मीडिया पे होता हूँ, कि कोशिश करूँ कि सबको जागृत करूँ। और यही बुद्ध ने किया, जो मुझे समझ में आया कि बुद्ध के पास सब कुछ था, सारा पैसा था, सब कुछ था, पर उन्होंने जो तरीका अपनाया कि घर घर भिक्षा मांगना और उससे जीवन यापन करना, तो मैं भी जो है ऐसा ही कुछ कर रहा हूँ कि जहाँ पे भी मेरे दोस्त हैं, चाहे वो मेरे मेडिकल कॉलेज के दोस्त हों, चाहे मेरे स्कूल के दोस्त हों, चाहे मेरे जैसे अमेरिका में बहुत सारे हजारों मतलब डॉक्टर हैं या मेरे मेडिकल कॉलेज से, उनके ग्रुप में मैं हूँ, तो मैं ये शेयर करता रहता हूँ। हालांकि बहुत सारे जो मेरे मित्र हैं उनको एतराज होता है ये बताने के लिए कि भैया मैं नीची जात से हूँ, मैं दुखी हूँ या जो है ये परेशानी है, पर ये जो मैं कोशिश करता हूँ ये बताने के लिए कि भैया इसमें कोई शर्म की बात नहीं है और मेरे में या किसी और में कोई वो नहीं है। देखिए ज्ञान के हिसाब से देखो तो हमारे बच्चे भी जो है यहाँ पे स्कूलों में टॉप कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी यहाँ पे जो है आगे से आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। तो यही मैं सबको जो है बताना चाहता हूँ कि हमारे मेहनत जो है ना वही जो है हमें आगे लेके जाती है। एक मैं जब बचपन में था, जब पैदा तो हिंदू हुआ था, तो बचपन में जो है देवी माँ का जो है मैं बहुत जो है बहुत ही बड़ा मतलब भक्त रहा हूँ। हर 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 टाइम में पूरे दिल से लगन से भक्ति करता था, तो पूरे नवरात्रे रखता था मैं मम्मी के साथ में और सब कुछ करता था। और मेरी मम्मी तो बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड थी जैसे देवी देवताओं के प्रति। पर जैसे जैसे हमें जानकारी मिलती जा रही है, जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ रही है, जैसे जैसे हमें ज्ञान मिल रहा है, मैं तो अचरज में रह गया कि मैं खुद नहीं बोल सकता था मम्मी कि जो आप पूजा करना बंद करो या ये बंद करो। पर जैसे मम्मी को ज्ञान मिल रहा है तो मम्मी खुद जो है अपना जो है विचार में परिवर्तन लाना, इस उम्र के अंदर जो है 70-80 साल के अंदर जब आदमी अपने आप के अंदर परिवर्तन ला सकता है, तो मैं कहता हूँ कि हम जैसे जो बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं, अगर उनको सही तरह से मार्गदर्शन मिले तो हम सब जो है बहुत केपेबल हैं। और हमारा इतिहास जो है सब कुछ बदला हुआ है, जो शायद लोगों को पता है या शायद लोग उसके ऊपर इतना जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर उसके अंदर जब अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो आगे आने वाली नस्लों को हम ऐसे गुलाम बना देंगे। और अगर हम आज नहीं आवाज उठाते, आज अगर हम ये जो मेहनत नहीं करते तो इसमें चाहे हमारा आज का जीवन अच्छा हो जाए पर आने वाली नस्ल की जो है बहुत बुरी हालत हो जाएगी। बस इसी के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा और कहूंगा कि जी आप लोग जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और मेरा हर मन से तहे दिल से आप सब लोगों का मैं साथ हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू डॉक्टर साहब, कल इंटरनेशनल स्पेशल है, देखना थोड़ा। हाँ सर, कल जरूर कोशिश करूंगा, मेरे जो है आप भी और भी बिल्कुल जरूर। हाँ जी सर, थैंक यू सर। जलवान सर नंबर कंसेप्ट का टाइम काफी हो गया, सिद्धिराज जी को बुला लो।
और किसका सुधीर राज जी का नाम है क्या आज? हाँ उन्हीं का दिया था इन्होंने डॉक्टर साहब ने, लाल सिंह जी ने। चलो